हेलो एवरीवन मैं हूँ आसतो सिंह आपका वेलकम करता हूं इस टेपर पैकेटमी पर तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं जैसे कि आप थंबनेल में देखे हुए आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो हम लोग अपना ना इंपॉर्टेंट जो हमारा एमसीक्यूज है वो करने वाले है. जो अभी आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आपको कहीं डाउट होता होगा कि सर कहाँ से कैसे क्वेश्चन एमसीक्यू में करें तो जो मैं करवा रहा हूँ वो मोर देन इनफ होने वाला है ठीक है तो अब इसमें जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो तीन चैप्टर से होगा हमारा चैप्टर नंबर सेवन एनसीआर नंबर एट एंड चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सेवन हमारा इंटीग्रल है मतलब वहां पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिट इंटीग्रेशन है चैप्टर नंबर एट में क्या है एरिया अंडर द कर्व है उससे तो मोस्ट प्रोबेबली कम चांस है एमसीक्यू में क्वेश्चन आने का लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं लेके रखा हूं यहाँ पे वो भी आपको करवाऊंगा ठीक है और चैप्टर नंबर नाइन हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन जहां से हंड्रेड परसेंट आपका एक क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है एक से दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पैटर्न में ठीक है अच्छा कहीं भी ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे कुछ क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी होंगे है ना प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी होंगे तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि कहां से क्वेश्चन करें क्या करें क्या नहीं करें बस जो करवा रहा हूँ बस वो आपको करते जाना है ठीक है ठीक है अच्छा जल्दी से बता दो इंटीग्रेशन का जितने भी फार्मूला है जितना भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है सब आपको याद है सर नहीं याद है तो जल्दी से वो याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद अभी तो सेशन देख लो आप मैं यहाँ पे आपको उन आइडेंटिटीज़ जो भी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ होगा ना ट्रिगोमेट्रिक का वो भी लिख के बता दूंगा इवन इंटीग्रेशन के जो फार्मूला यूज़ होंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूंगा ठीक है याद करवा दूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ बच्चों को जिसमें से कुछ अगर स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं याद होगा तो वो याद कर लीजिएगा ओके रेडी रेडी चलिए

जिसका डिफरेंशिएशन क्या दियाट से दिया है. है? कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसको मैंने डिफरेंशिएट किया और मुझे क्या मिल गया जी ऑफ एक्स मिल गया ठीक है और अगर जी ऑफ एक्स मुझे एफ ऑफ एक्स में आना है तो क्या करना पड़ेगा इस जी ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर एफ एक्स को डिफ्रेंसिएट करके जी एक्स मिल रहा है तो जी एक्स एफ एक्स पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो सिंपल तो हो तो गया देखो एफ एक्स का डिफ्रेंसियन ये है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा आर ये बात समझ में से FX पूछी तो रहा है सिंपल तो हम कह सकते हैं यहां से जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या है फोर एक्स क्यू माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर ठीक है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओके okay? तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया यहां से मैं इसको सेपरेट कर देता हूं फोर बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया माइनस थ्री बाहर आ जाएगा और वन अपॉन एक्स की पावर फोर को मैं काम करता हूं एक्स की पावर माइनस फोर लिख देता हूं ठीक है आ गया आंसर अच्छा आंसर सी में मत दे देना देखना यहाँ पे आंसर सी में नहीं है है ना कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो ऐड करते हैं सी की वैल्यू भी निकालनी और सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है हिंट क्वेश्चन में है ना तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर ओके माइनस थ्री

कितना हो जाएगा x की पावर फोर माइनस ऑफ देखते जाइएगा थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री है ना हाँ जी और अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस थ्री ये थ्री से थ्री कट गया माइनस एंड माइनस अच्छा प्लस में सी भी चल रहा है ये माइनस ये माइनस क्या बना के देगा प्लस देगा तो अपने पास आ गया एफ ऑफ की पावर फोर प्लस आ, 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 x की पावर माइनस है तो इसको मैं लिख देता हूँ वन अपॉन की पावर थ्री प्लस ऑफ सी यहां तक की कहानी क्लियर बस हो गया अब यहां पे क्या करो देखो क्या अपने पास गिवन है ये गिवन है तो रख दीजिएगा यहां पे एफ ऑफ टू जीरो है मतलब एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर एक्स सॉरी एक्स की वैल्यू टू रखने पर फंक्शन की वैल्यू जीरो मिल रही है तो एक्स की वैल्यू को टू रख दो टू की पावर फोर प्लस वन बाय टू की पावर थ्री प्लस सी और फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई जीरो मिल गई तो यहां से ये हो गया सोलह प्लस वन बाई एट प्लस ऑफ सी इक्वल टू जीरो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस सिक्सटीन माइनस वन बाई एट एल्शियम कितना हो गया सर सिक्सटीन सॉरी एटीन एट हो जाएगा ना एल्शियम तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में वन ट्वेंटी एट और माइनस वन ये माइनस वन ट्वेंटी नाइन प्लस का एट क्लियर हो गया आंसर आ गया तो यहाँ पे अब अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर फोर और 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 यहाँ है ना प्लस वन अपॉन एक्स का पावर तीन और माइनस में कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी नाइन है ना माइनस में वन ट्वेंटी नाइन अपॉन एट दिस इज योर आंसर आ जाओ देखो किस में है ए फॉर आलू बी फॉर भालू बीम ही लग रहा है मुझे हाँ बी 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 इज सॉरी 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 ए ए है ना हाँ जी ए इज द करेक्ट आंसर समझ में आ गया सिंपल चले अगले क्वेश्चन पे चलिए जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ नफ है यहाँ पे मैं कितने क्वेश्चन करवाऊंगा आपको फिफ्टी क्वेश्चन तक करवाऊंगा है ना फिफ्टी तो डन है उससे ज्यादा जा सकता है लेकिन उससे कम नहीं जाएगा 50 लेस मतलब मिनिमम वैल्यू 50 है मैक्सिमम कहीं तक जा सकते हैं ठीक है हम इस क्वेश्चन को करेंगे देखो लोग पढ़े अपॉन, अपॉन <coughs> तो लेकिन इसी का अगर डिफरेंशिएशन पूछूं, इसी का क्या पूछूं? मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं, तो एक टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा

का तो नहीं है अगर ये सब सबसे पहले देखो सब्सिट्यूशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है ठीक है तो अगर मैं यहां पे देखो यार x की पावर 10 का जो डिफ्रेंसियन होगा x की की पावर पावर 10 का वो वो 9 हो जाएगा ऑफ कोर्स पे दिख भी तो रहा है। दिख भी भी तो तो रहा रहा है है अच्छा उसके बाद देखो तो 10 की पावर x मतलब a की पावर x का जब डिफ्रेंसियन होगा 10 की पावर x का जब मैं डिफ्रेंसियन करूंगा तो क्या होगा a की पावर x मतलब 10 की पावर x इंटू लॉग ऑफ ये बोले तो 10 बोलो होगा होगा जी सर होगा तो आ जाओ जरा यहां पे तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x क्या है लॉग ऑफ 10 टू द बेस e है अपॉन में क्या लिखा हुआ है x की पावर 10 प्लस tan की पावर x dx ठीक है हो गया सवाल खत्म इसका डिफरेंस इन ऊपर दिख रहा है जी सर दिख रहा है देखो tan की पावर x का और ये ओके okay? तो हम एक फॉर्मूला एक और आइडेंटिटी हम लोग इंटीग्रेशन में देखे, एक रिजल्ट देखे हैं क्या देखे हैं एफ डेक्स एक्स बाई एफ एक्स क्या होता है जल्दी बताइएगा सर लॉग ऑफ एफ एक्स होता है क्या होता है ये ऑफ होता है बेस में क्या चलता है बच्चों ई e चलता है ठीक है तो बस हो जाएगा यहाँ पे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स एफ एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स ठीक है बस हो गया सवाल खत्म प्लस सी द आंसर कौन सा अच्छा बेस में ई है तो यहाँ पे एल एन लिखा है इसको है ना एलन, है ना ऐसे भी आप लिख सकते हैं ओके तो 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 सर आंसर होगा आंसर होगा डी डिफॉल्ट हो किस द करेक्ट आंसर समझ में आ गया सिंपल क्वेश्चन था चले अगले क्वेश्चन पे यस सर है ना इसमें कंफ्यूज मत हो जाना सर उसमें टेन की पावर एक्स पहले है इसमें बाद में लिखे है ना चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दो क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ये आई हो ना, NCRT का ही सवाल है कितना सिंपल क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ जी सर हो गया क्या करेंगे बताओ ये जो वन है ना इसको साइन सेपरेट कर देंगे सवाल खत्म देखो क्या है वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है वन दिख रहा है ना इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकता हूं साइन स्क्स है ना और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अब सेपरेट कर दो सुनना ध्यान से सेपरेट करोगे मतलब साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में ये पूरा आएगा तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा वो कॉस स्क्वायर एक्स या नहीं आएगा सेपरेट कर दिया हूँ फिर प्लस लगाऊंगा फिर कॉस स्क्वायर बटे ये पूरा लिखूंगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर को क्या बोला जा सकता है सर इसको मैं बोल दूंगा sec स्क्वायर x dx प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर को क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे cosec स्क्वायर x dx ठीक है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर इंटीग्रेशन होता है ठीक है तो ये हो जाएगा सर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x ठीक है ये cosec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है देखो का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक स्क्वायर होता है तो का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस हम लोग कर लिए चलो आगे बढ़ते हैं लिख लीजिए अरे ये तो सिंपल है सर लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लस लेके प्लस बना के आप सेपरेट किए और इस सवाल में माइनस बना हुआ है तो सिंपल क्या करो सेपरेट कर दो इसका आंसर डायरेक्ट बता दूं मैं <laughs> क्या हो जाएगा ये सेपरेट हो जाएगा तो वन बाय कॉस स्क्वायर ये बनेगा सेक स्क्वायर यहां से ये चला जाएगा माइनस कॉसिक तो आई होप इसका आंसर होगा टेन प्लस कॉट होगा चलो देख लेते हैं देख लेते हैं सेपरेट कर दो क्या होगा बताओ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी फिर माइनस बनेगा फिर यहां पे क्या होगा कॉस स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा कॉस अपॉन में क्या जाएगा

इज द करेक्ट आंसर देख रहे हो बस करते चलो मेरे साथ जैसा क्वेश्चन करवा रहा हूं आप करते चलो सर आपने तो बोला था यहाँ पे एरिया का भी क्वेश्चन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन होगा डेफिनेट का भी सवाल होगा सिर्फ इंडेफिनेट भी आ रहा है सब तो रखो आगे सब आएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चले आपको अगर लगता है देखो लाइव क्लास आप अटेंड किए हो मेरा तो मैं आप लोगों को समय देता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का है ना यहां पे अगर आपको लग रहा है आपसे हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करके आप क्या कीजिए आइए ये वाला बताइए कैसे करेंगे हिंट कर दूं अरे वो 9 स्पेशल फार्मूला वाला है आराम से हो जाएगा इसको क्या करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ आ जाओ क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 2 है dx मैं क्या सिखाया हूँ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को प्लस 1 बना लो वो बना हुआ है सर ठीक है वो तो बना हुआ है सर उसके बाद क्या करूं इन दोनों को देखो ये x लिखो इसको और ये प्लस साइन है प्लस साइन लगा दो और x के सामने जो भी नंबर है उसका हाफ सोचो टू है टू का हाफ क्या होगा one. तो one लिख दो, Whole square डाल दो. का square के, तो यहाँ पे -1 का square कर और प्लस वन तो तो के तो ये वन का भी स्क्वायर समझो तो ये क्या लिखा है कि नहीं दे रहा है अरे ये वाला मैं बोला हूँ आपको याद भी करवाते चलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ सर ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a सिंपल ठीक है प्लस ऑफ सी तो बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा 1/a a, a का, का काम तो सर वन ही कर रहा है तो 1/1 tan इनवर्स x/a x का काम कौन कर रहा है x+1/a a तो 1 है है ना प्लस सी सिंपल खत्म 1/1 को तुम 1 बोल दो तो आंसर अगर देखो आप ऐसे मैच कीजिए tan इनवर्स x+1 प्लस ऑफ सी सिंपल टेन इनवर्स वर्स एक्स प्लस वन प्लस ऑफ सी तो मेरी बी फॉर भूल इज द करेक्ट आंसर क्लियर हुआ चलो अगले क्वेश्चन पे चले hmm. ये सवाल ये भी ऐसा सवाल ना एनसीआरटी में दिया हुआ है बताओ कैसे करेंगे बोलो 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 जल्दी से वीडियो को पॉज अगर करना है ना सर कैसे बोले आप हम लाइव में अगर होते तो सर आप कमेंट कर देते तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो टाइम देखो अभी जो भी मिनट दस पंद्रह मिनट होगा टाइम को पिन करके कमेंट कीजिए कैसे करेंगे बताइए कैसे करेंगे सिंपल है देखो 1 अपॉन e की पावर x e की पावर x dx यही सवाल है ना देखिए e की पावर जो minus x है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x क्या लिख सकते हैं इसको इसको लिखा जा सकता है ये e की पावर x हो गया इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x बोलो ऐसे लिख सकते हैं जी सर अब सुनना ध्यान से यहां पे ना एलसीएम लो कहां पे सर अरे डिनोमिनेटर में

2x plus 1 dx बस ऐसे भी लिख सकते थे क्लियर क्लियर अब सुनिएगा ध्यान से तो i इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर 2x है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या e की पावर x का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 dx बोलिएगा यस और नो यस सर लिख सकते हैं हो गया सवाल खत्म बताओ देखो कैसे e की पावर x को ना आप t मान लो ठीक है तो बताइए यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x क्या देगा dt by dx देगा बोलिएगा हां या ना देगा मतलब कहने का है की e की पावर पावर क्या क्या देगा 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 सर तो आ जाओ आई हो गया ये ये e की पावर X का मतलब है t, ये देगा डी टी हो, हो गया ठीक है बस खतम ये किसका है सर ये तो 10 inverse t है वहां पे है कहीं पे? 10 inverse, सर सब में है अच्छा दो दो में है टेनवर्सिटी टी का मतलब क्या है सर ई e की पावर एक्स है

बस एंगल हाफ हो जाता है टू थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा और सुनो यहाँ पे प्लस मत लगा देना फिर वो वन हो जाएगा नहीं तो कॉस प्लस स्क्त ठीक है आ जाओ बस यही वाला लगाओ सवाल खत्म कैसे सर देखिए अपने पास है कॉस टू एक्स होल के अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर डी एक्स तो कॉस टू एक्स को मैं क्या बोलूंगा बोलिएगास टू एक्स को मैं बोलूंगा एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बोलूंगा ठीक है और अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर अब सुनो ऊपर 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 में देखिएगा बोले तो देखने लगना है ना ये माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ फील हो रहा है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अरे सर ये तो हमें याद है ये भी लिख के क्यों बता रहे हो चलो बता देता तो, हूं आप लोगों में से कुछ को नहीं याद होगा सर इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं याद है तो आप कमेंट करके बता दिया करना पहले ही है ना तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस बी सिंपल और अपॉन में बताओ क्या हो जाएगा अपॉन में बस इसको लिख देते हैं अब देखो यहां पे ना अभी कुछ देर पहले मैं आपको ना एक रिजल्ट बताया था एफ डेक्स बाई एफ एक्स वाला वही लगेगा देखो ये पूरा ये गया जाएगा ठीक है dx हो गया अब सुनते जाना ध्यान से तो ये हो गया अपने पास uh -oh, cos x, है ना माइनस का साइन एक्स और अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन है ना ये एफ है देखिएगा ये एफ एक्स का काम कर रहा है इसका डिफ्रेंसियन बताओ क्या होगा सर साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है ये किसका काम कर रहा है एफ डेक्स का कर रहा है ठीक है कोई डी एक्स यू लिख रहा हूं ठीक है हो गया सवाल खत्म तो इसका आंसर क्या होगा लॉग टू देश का काम कौन कर रहा है है सर ऑफ इट ठीक आ जाओ तो साइन प्लस लॉग साइन प्लस लॉग को आप बेस में ये तो एल बोल सकते हैं तो ये हो गया हमारा आंसर ठीक है चलो लिखो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हो गया आइए बताओ कैसे करेंगे बोलो कुछ डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है क्या बोला अभी अभी से कुछ देर पहले कोई भी सवाल देखो ना तो सोचो पहले क्या वो सब्सटीट्यूशन का सवाल है of course. Substitution का जब भी सोचो ना आप सोचो किसी को टीम मानने के बाद उसका डिफ्रेंसिएशन वहां दिख रहा है क्या देखो यहाँ पे ना एक्स क्यूब का आप टीम मानोगे तो उसका डिफरेंसिएशन होगा थ्री एक्स स्क्वास स्क्वायर तो दिख रहा है हो गया क्वेश्चन खत्म है ना तो क्या करो ये आपके पास एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर क्या है एक्स क्यूब डी एक्स है

डी टी बाई थ्री ये तो अपॉन में थ्री है रहने दो इसको ई e की पावर टी डी टी e ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सर वही होता है प्लस सी तो रख दो वैल्यू टी का टी का वैल्यू क्या एक्स क्यूब है ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस ऑफ सी सिंपल तो आंसर आंछल आंछल ए फॉर आलो इज द करेक्ट आंसर ठीक है चल अगले क्वेश्चन पे चले देखिए ये वाला क्या अच्छा देखो ये कौन सा सवाल है सोचो ई e की पावर एक्स दिखे मैं आपको एक बार फिर से याद करवा देता हूं मैं पढ़ाया भी हूं आपको ई e की पावर एक्स दिखे ना और इधर ना कुछ अजीब सा कुछ फंक्शन दिखे कुछ तो आपको ना क्या सोचना है e की पावर X दिखे और कुछ फंक्शन दिखे तो आपको ना एक बार ना इस रिजल्ट के बारे में सोचना है कौन सा ई e की पावर एक्स इंटू में Fx प्लस क्या था था इसके बारे में आपको एक बार सोचना है सर ये क्या है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है करवाया हो नहीं क्या होता है सर ई e की पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है प्लस से थी. ठीक है तो वही देखो तो यहाँ पे बन रहा है क्या कोशिश करते हैं ई e की पावर एक्स दिख रहा है और यहां पे ना सेक एक्स है तो एक काम करो सेक एक्स को इसमें भी मल्टीप्लाई करो और इसमें भी मल्टीप्लाई करो तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा ई e की पावर एक्स सेक एक्स वन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ब्रैकेट के अंदर सर सेक एक्स ही होगा फिर प्लस फिर टेन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बताओ

वेरी गुड क्वेश्चन ये क्वेश्चन आई होप ना जो हमारा एक्सरसाइज उसमें होगा उसी का दो क्वेश्चन दिखाया था ना कॉस्ट टू एक्स वाला कहा गया जी वही कॉस्ट टू एक्स वाला ये वाला यही लॉजिक इसमें भी लगाओ यही वाला लॉजिक इसमें लगाओ ठीक है तो पहले तो कॉस्ट टू एक्स को क्या लिख सकते हैं <coughs> ध्यान से देखिएगा पहले लिख देता हूँ सवाल को मैं कॉस्ट टू एक्स माइनस थीटा, ठीक है? और अपॉन में क्या लिखा हुआ है अपॉन में है साइन तो स्क्वायर बोल मत बोलो साइन स्क्वायर में मत ले जाओ ठीक है कॉस कॉस में सबको रखो देखिए हम लोग जानते हैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जानते हैं अगर कॉस में जाएंगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन बस ये चीज यहाँ पे लगा दो क्या हो जाएगा ये टू कॉस स्क्स माइनस का वन ठीक है बता रहा हूं साइन में क्यों नहीं ले जाएंगे ठीक है फिर यहां पे क्या माइनस साइन है ओके जी, ओके जी जी माइनस साइन है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन यहां तक की कहानी क्लियर कोई दर्द को तकलीफ नहीं देखो अब यहां पे क्या होगा सिर्फ कॉस में आने से क्या हुआ अगर आप यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या करेंगे यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस वन है और यहां से ये प्लस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है और टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्टा मिलेगा वहां से ना टू कॉमन निकाल लेंगे फिर क्या होगा फिर देखो क्या होगा देखते जाना ध्यान से तो यहाँ से पहले तो ब्रैकेट ओपन करो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स तो और ये माइनस ये माइनस प्लस वन हो जाएगा ठीक है अपॉन में क्या होगा सर अपॉन में हो तो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा डी एक्स ओके okay देखिए ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया तो टू कॉस एक्स माइनस टू कॉस स्क्टा है ना, ना? यहाँ okay? ये ये आपको दिख रहा है सर, ये बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये कॉमन लेके हम बाहर निकाल दिए तो क्या आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा और अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस ठीठा डी एक्स ठीक है अब सुनो यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ यहां पे सिंपल तो जैसे ही मैं यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी लगाता हूं तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस एक्स प्लस ऑफ थीटा ठीक है और कॉस एक्स माइनस ऑफ थीटा ठीक है अपॉन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ऑफ थीटा और डी एक्स कुछ कैंसिल आउट यस सर ये कैंसिल आउट माइनस वाला चीज कैंसिल आउट हो गया ठीक है तक तो कोई दर्द नो दर्द अब देखो अपने पास ना हम जानते हैं याद रखिएगा जब कभी भी आप किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो जैसे यहां पर जो फंक्शन होता है ना वो एक्स का फंक्शन होता है जैसे मान लो मेरे को ना इंटीग्रेट करना हो लेट से मुझे मान लो इंटीग्रेट करना हो आ, साइन एक्स को है ना डी थीटा के रिस्पेक्ट में ठीक है मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ना वो थीटा का तो फंक्शन नहीं है वो तो एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पर ये के जैसा ट्रीट करेगा और मैं क्या करूंगा उसको sin x को के से बाहर निकाल दूंगा, और साइन एक्स आ जाएगा बाहर और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से थीटा ठीक है तो साइन एक्स इंटू थीटा प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा ओके हाँ अगर मान लो यहां पे होता यहाँ पे से ऐसा होता साइन थीटा डी एक्स तो साइन ठीटा बाहर आ जाएगा डी एक्स का एक्स हो जाएगा वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा आप कुछ देर में देखो यही लॉजिक हम यहाँ पे अगर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को बताओ टू तो बाहर चल ही रहा है ठीक है और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स और फिर प्लस कॉस थीटा डी एक्स तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉस थीटा को बाहर निकाल दो है ना डी थीटा डी एक्स हो जाएगा ना कॉस थीटा डी एक्स तो ये हो जाएगा टू इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन है ना तो ये हो जाएगा साइन एक्स है ना और कॉस थीटा एज इट इज रहेगा और डी का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा ठीक है तो जरा देखो ऑप्शन में है कहीं तो बाहर रहेगा साइन एक्स और एक्स कॉस थीटा आई होप आंसर ए सही है है ना ए फॉर आलू इज द करेक्ट आंसर क्लियर हुआ बस सिंपल लॉजिक क्लियर हुआ याद रखिएगा अगर आप किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा जो भी डी के साथ होता है वही वे, वही वेरिएबल ऑपरेटर का काम करता है अगर होगा तो यहाँ पे एक्स वाला वाला फंक्शन फंक्शन होना चाहिए अगर एक्स वाला यहां पे तो सॉरी <coughs> वाह क्या सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कैसे करेंगे बताओ बोलो 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 क्या लिखा हुआ इंटीग्रेशन में साइन की पावर सिक्स एक्स इंटू की पावर एट सिंपल है

कॉस की पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बोलो ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं यस सर लिख सकते हैं तो साइन पावर छः इंटू कॉस की पावर छ ये क्या बना के देगा साइन की पावर छः इंटू कॉस की पावर छ बना के देगा सर हमें टेन की पावर सिक्स क्या बनेगा ये टेन की पावर सिक्स एक्स इंटू वन बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा बताओ सर ये तो सै स्क्वायर एक्स हो गया खत्म सवाल खत्म अब मैं आपसे कहूंगा इसको ना सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से सोचो टेन एक्स की पावर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है ये सर दिख रहा है और बताया भी हूँ मैं इसको पढ़ाया भी हूँ जब मैं डिटेल लेक्चर में है ना कि पावर देखो ओके और अगर टेन का पावर इवन हो तो उसको टी मान लो ऐसा सब पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ बोलिएगा आई होप पढ़ाया ही हूँ टेन का पावर वैसे ऑड पे इवन मानते हैं वहाँ पे ठीक है टेन का पावर अगर ऑड होता है दोनों अगर इवन है तो किसी को भी टी आप मान के चल सकते हो लेकिन मैं आपसे क्या कहूँगा यहाँ पे टेन को टी मानो क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है तो अगर मैं टेन एक्स को टी मानता हूँ सुनते जाना ध्यान से टेन एक्स को मैं टी मानता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे एक्स इंटू डी एक्स क्या देगा? डी टी देगा, बोलेगा हाँ या ना तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, ये बनेगा टी, की पावर टी या डी टी सर डी टी तो टेन की टी की पावर छह का इंटीग्रेशन क्या होगा टी की पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस हो गया अब टी का मतलब क्या है टी का तो मतलब टेन एक्स है तो ये हो जाएगा टेन की पावर सेवन एक्स अपॉन

साइन की पावर चार है अपॉन कॉस की पावर एट है तो मैं उसको कॉस की पावर फोर इंटू कॉस की पावर फोर तो लिख सकता हूँ बोलो हाँ या ना लिख सकता हूँ तो साइन की पावर फोर अपॉन कॉस की पावर फोर टेन की टेन की पावर क्या बनेगा फोर बनेगा और वन अपॉन कॉस की पावर फोर को हम सेक की पावर फोर लिखेंगे थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है आ जाओ देखो बताता हूँ देखो इंटीग्रेशन uh, में देखो एक्चुअल में ये हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन में फर्स्ट ही सवाल है मैं आई इक्वल टू लिया हूँ ये तो सवाल है लेकिन जब भी आप की कर, तो जैसे डिफ्रेंसिएशन हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन में ना आई इक्वल टू लिखा कीजिएगा की लिखा हुआ है कॉस की पावर एट एक्स इंटू डी सुनते जाना ध्यान से तो मैं इसको लिख सकता हूं देखिएगा साइन की पावर फोर एक्स ठीक है हिंट कर दिया हूं मैं अभी भी कर सकते हो आप कॉस की पावर फोर इंटू कॉस की पावर फोर लिखो बस ये हिंट है आगे बढ़ो आपको चमक जाएगा कैसे करना है ठीक है कॉस की पावर फोर एक्स इंटू कॉस की पावर फोर एक्स डी एक्स ठीक है सुनना ये क्या बना के देगा बताओ ये क्या बना के देगा सर ये साइन की पावर फोर अपॉन कॉस की पावर फोर ये सर टेन की पावर फोर देगा क्या देगा ये सर ये तो हो गया टेन की पावर फोर एक्स और वन बाय कॉस की पावर फोर क्या बनेगा सर ये सेक की पावर फोर एक्स बनेगा सुनते जाइएगा ध्यान से सुनना अब एक बात बताओ टेन एक्स को तुम टी मानोगे तो टेन तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो सेक स्क्स होता है यहाँ तो सेक की पावर फोर है हाँ ना सर सेक स्क्वायर चला जाएगा सेक की पावर दो बचेगा है ना सेक स्क्वायर एक्स बचेगा बिल्कुल बचेगा तो सुनना इसको हम ना थोड़ा सा ना थोड़ा और मॉडिफाई आप करना चाहो तो कर सकते हो या देखो जनरली बच्चों को यही चमकता है तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ मैं अगर चाहता तो इसको सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिखता एक सेक स्क्वायर को मैं 10 में लेके जाता लेकिन अभी कर लेते हैं बाद में लेके चले जाएंगे टेन एक्स को मैं t माना क्यों क्योंकि मैं हम लोग सीखे हुए उसी को t मानो उसी को सब्सिट्यूट करो जिसका डिफ्रेंसिएशन आपको दिख रहा हो तो ऑफकोर्स दिख रहा है टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बताओ सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल तो सेक स्क्वायर एक्स क्या बनेगा सर डी बनेगा ओके okay? तो मेरे पास आ जाएगा आई टेन को तो टी माने है, ये टी की पावर कितनी हो जाएगी सर फोर है ना यहाँ से होगा हाँ yes, हो हो तो सेक स्क्स इंटू डी एक्स क्या बन गया डी टी बन गया एक सेक स्क्वायर रह गया ठीक है अब सुनना ये जो आपको सेक दिख रहा है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं देखते जाना ध्यान से हम जानते हैं अरे ये वाला सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स इसलिए मैं बोला हूं आपको याद भी करवाते चलूंगा ये वन होता है तो यहां से को क्या लिख सकते हैं ये माइनस टेन स्क्वायर इधर आएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा ये टी की पावर फोर ठीक है सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस टी टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एक्स कहां से आ गया डी टी आएगा ना आ रहा है यहां तक ठीक है अब सुनना ध्यान से सर ये जो टेन एक्स है इसको सर टी लिख दे के लिख सकते हैं टेन को टेन एक्स को टी मानोगे तो वहां से टी स्क्र हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा अपने पास टी की पावर फोर वन प्लस टी स्क्वायर डी टी बोलो हाँ है ना जी सर अब क्या करेंगे अब इसको इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दो और सुनो तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि सर ये वन मार्क में नहीं आएगा इतना लंबा चौड़ा सवाल है कुछ लंबा चौड़ा नहीं है मैं एक एक सवाल एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इस सवाल की औकात ही नहीं थी ये वन मार्क की हैसियत रखती है ये सवाल इतना सिंपल है याद रखना ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये तो सवाल वन मार्क में नहीं आएगा आ सकता। लेकिन कुछ मैं ऐसे भी लेकर आया हैं तो देखो ये की पावर फोर हो गया इसमें मल्टीप्लाई किया इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो की पावर सिक्स हो गया अब सेपरेट कर दूंगा मैं इसको, है ना सेपरेट कर दिया तो की पावर फोर का इंटीग्रेशन की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस की पावर सिक्स का सेवन अपॉन सेवन प्लस ऑफ सी तो ये हो गया वन बाई फाइव टी को क्या बोल देंगे टेन बोल देंगे टेन की पावर फाइव एक्स और वन बाई सेवन टी को क्या बोलेंगे टेन की पावर सेवन एक्स प्लस ऑफ सी बस यही हमारा आंसर है जरा देखो अच्छा 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 ए अच्छा. और बी ओके okay. मतलब अपने को ना इस ऑफ इस पैटर्न में आंसर दिया हुआ है ठीक है ना तो अगर मैं कंपेयर करूंगा बच्चों तो ए का वैल्यू क्या है सर ए का वैल्यू तो वन बाई फाइव है ठीक है और बी का वैल्यू क्या है तो यहां से अगर बी का वैल्यू देखा जाए तो वन बाई सेवन इक्विट है ही नहीं ये तो इक्वल नहीं है है ना ए का वैल्यू क्या हो गया by हो गया और और बी का वैल्यू ठीक है ना देखो तो इस यहां से मैं इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ ठीक है यहां से मैं वन इक्वल टू सेवन बी बोल सकता हूँ तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो फाइव ए प्लस सेवन बी हो जाएगा टू जो कि नहीं है देखो दो तरीके से आंसर ढूंढ सकते हैं देखो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो फाइव ए प्लस सेवन बी दोनों का आर एच एस एड होगा तो एल एच एस भी एड होगा तो फाइव ए प्लस सेवन बी वन प्लस फाइव ए प्लस सेवन बी कहीं भी नहीं है ना हाँ फाइव ए प्लस सेवन बी टू नहीं होकर वन दी जीरो दिया हुआ है जो कि नहीं होगा ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता उसके बाद देखिएगा दोनों वन के इक्वल है इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा मतलब फाइव ए और सेवन बी इक्वल है फाइव ए और सेवन बी इक्वल है तो यहां से हमारा आंसर क्या हो गया ए फॉर आलू इज द करेक्ट आंसर चमका

वाओ क्या सवाल है अच्छा सवाल है ये है ना इसको क्या करो आप अच्छा भी है और लेकिन सिंपल भी है वही वाला तरीका अभी मैं कुछ देर पहले जो बोला यहाँ पे क्या दिखे आपको ई एक्स दिखे और ना कुछ फंक्शंस कुछ अजीब सा यहाँ दिखे डी एक्स दिखे तो सिंपल क्या सिंपल क्या सोचना है आपको ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एक्स ओके इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी आ जाओ जरा यहाँ पे तो देखो अपने पास यहां पे ना ब्रैकेट के अंदर ना दो टर्म है कैसे कैसे एक टर्म तो अपना वन है फिर एक प्लस लगा हुआ है और उसके बाद ये दूसरा टर्म है एक काम करो सुनना ध्यान से प्लीज यहां पर नजरें इधर होनी चाहिए क्या है e की पावर है। और इसके इंटू में ना वन अपॉन वन अपॉन, अपॉन एक्स प्लस वन है इंटू में ठीक है ई e की पावर एक्स है फिर इंटू में वन अपॉन, अपॉन एक्स प्लस वन है ब्रैकेट में क्या है जरा बताओ ब्रैकेट में है सर वन प्लस एक्स प्लस वन ठीक है और इंटू में लॉग ऑफ Okay. तो एक्स प्लस एक एक कुछ बादलों में कुछ अजीब सा फंक्शन दिखे तो एक बार सोचो इस फॉर्मूला बन लगा सकते हैं कि नहीं लेकिन डायरेक्ट में इसमें नहीं लगा पा रहा था लेकिन मैं इस फॉर्मुला को लगाने के लायक मैं इसको पहले बना रहा हूं ठीक है मैं बोलूंगा भाई तू अभी उस लायक नहीं है तू पहले लायक बन उस लाइक बन तो पहले ये उस बन रहा है तो इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन अपॉन एक्स प्लस फिर इधर मल्टी इधर क्या है तो देख रहे हो कुछ कट रहा है ये कैंसिल हुआ देख रहा है विनोद एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कैंसिल हो रहा है हो रहा है और ये अब हो गया सवाल खत्म पावर एक्स हो गया वन अपॉन

e की पावर एक्स इंटू एफ एक्स एफ एक्स का काम कौन कर रहा है तो सर लॉग ऑफ x प्लस वन सवाल खोतम तो एक्स लॉग ऑफ x प्लस सी तो यस yes, सी फॉर चालू इज द करेक्ट आंसर और तो कुछ नहीं लग रहा और तो यहां पे ठीक है क्लियर समझ में आ गया याद रखिएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है चलो अगले क्वेश्चन पे चले डन डन अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आप कर पा रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके ना आप भी कम सोल्व करो और सवाल करो सर ये मैंने किया ये मैंने किया सॉल्व करने के बाद आप फिर वीडियो को ना पॉज हटाना है आपको है ना प्ले करके आपको फिर देखना है कि आप आंसर मैच करना है ये नहीं कि बस धारल्ले से पॉज करें क्वेश्चन करें धरल्ले से पॉज करेंगे क्वेश्चन करेंगे ऐसा नहीं करना है आओ ये वाला सवाल क्या है एक्स की एक, एक, क्या है यार फोर की पावर एक्स इंटू थ्री की ये तो लप्पू सा सवाल है लप्पू सा सवाल है बेटा इसमें ना सबसे पहले तो एक बात सुनो जैसे ए की पावर एम इंटू बी की पावर मान लो एम लिखा हुआ है तो इसमें सिंपल होता है ऐसा कहा जाता है कि पावर को इधर कॉमन ले लो ए इंटू बी हो जाता है सिंपल ठीक है बेस सेम तो पावर एड और बेस सेम होता है तो पावर बाहर कॉमन के रूप में निकल जाता है कॉमन बोल देते हैं उसको ठीक है तो यहाँ पे देखो बेस पावर सेम है तो पावर बाहर निकल जाता है ना तो पावर यहाँ पे सेम दिख रहा है तो मैं फोर इंटू थ्री ये फोर इंटू थ्री है बेटा फोर पॉइंट थ्री नहीं है है ना तो फोर इंटू थ्री को क्या बोलूंगा मैं बताओ सर ये बारह हो गया तो ये बारह की पावर एक्स हो गया ठीक है मतलब ये फिर वही हो गया ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ सर यहां पे डिफ्रेंसेशन नहीं बच्चों इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन न लॉग ऑफ प्लस सी तो ए का काम कौन कर रहा है सर ट्वेल्व कर रहा है तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स ट्वेल्व की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए ए काम कौन कर रहा है सर ट्वेल्व टू दी बेस ए प्लस सी आ जाओ ऑप्शन में देखो ऑप्शन में देखो ये तो यही लग रहा है जी आ तो गया आंसर है ना आ तो गया ए फॉर आलो इज द करेक्ट आंसर ठीक है ए फॉर आलो इज द करेक्ट आंसर ठीक है ए है बी तो नहीं होगा है ना सी भी नहीं है और डी भी नहीं डी तो नहीं है ओके क्लियर डन कुछ बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज होंगे सर ये भी तो हो सकता है नहीं ये नहीं है है ना कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं ना फोर की पावर एक्स इंटू थ्री की पावर एक्स लेकिन लॉक ट्वेल्व को आप लॉग फोर इंटू लॉक थ्री नहीं ले सकते एक्चुअल में ये जानते हो क्या बनेगा ये बनेगा लॉग ऑफ फोर प्लस थ्री log m into n नहीं नहीं वो भी नहीं बनेगा है ना log m into n होता है तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस होता तो मल्टीप्लाई हो जाता log 4 plus log 3 होता तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अब बताइए कैसे करेंगे सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ sec²x tan²x क्या होता है बताओ क्या होता है सर 1 होता है 1 होता है, वन होता है। क्या आपको कहीं पे इसमें इसमें होता है क्या आपको सवाल में कहीं पे भी दिख रहा है नहीं दिख दिख रहा सर इस सवाल में मुझे क्या हम लोग को क्या दिख रहा है सेक स्क्स माइनस टेन एक्स बट क्या दिख रहा है सॉरी सेक एक्स माइनस टेन एक्स से क्या हम लोग ये सेक स्क्स माइनस टेन स्क्स बना सकते हैं सर कैसे देखो कैसे क्वल टू अपने पास है sec x sec x x सेक एक्स आराम से मतलब सर sec से ये बनाना है, ब, बना सकते है. देखो कैसे यहां जैसे रेसलाइज नहीं करते हो आप लोग स्क्वायर रूट वाला सवाल रहता है तो साइन चेंज करके वैसा ही कर दो आराम से हो जाएगा और सवाल खत्म हो जाएगा तो, तो सर डिनोमिनेटर में वन हो जाएगा हाँ डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा देखिएगा सेक एक्स है ना अपॉन में क्या लिखा हुआ है सेक एक्स माइनस का क्या होगा हो हो जाएगा जाएगा ठीक ठीक है है में भी सुनते जाना ध्यान से ये दोनों देख के आपको ए माइनस बी और इन टू में ए प्लस बी के वाला फील आ रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बस वो लगा देंगे और ऊपर क्या करो आप इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो देखिएगा ध्यान से i इक्वल टू sec का मल्टीप्लाई sec में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस sec का मल्टीप्लाई tan में करेंगे ना सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा अपॉन में आ जाइए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या बना के बना के देगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स सुनना ध्यान से ये वन हो जाएगा यस yes, सर वन हो गया चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ समझाने के लिए ये भी बच्चों मैं लिख समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ ये वन मार्क का ही सवाल होगा समझाने के लिए बता रहा हूँ इतना है ना ये तो वन हो गया सर और अब तो अब सेपरेट कर दो जरा डिनोमिटर में तो वन हो जाएगा है ना ये तो गया बस ये बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक इंटू टेन सेपरेट कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर प्लस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइएगा सर इसका इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर है तो टेन एक्स हो जाएगा क्योंकि 10X का होता है और इसका क्या देगा बताओ प्लस में चलो अगले क्वेश्चन पे चले हो गया डन बी बढ़े आगे आ रहा है ना जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बच्चों प्लीज उतना ही क्वेश्चन आप करते जाओ उससे जा, आप ना मत सोचो कैसे सवाल आएंगे जब जितना मैं अभी यहां पे फिफ्टी क्वेश्चन कम से कम ये सवाल बस आप कर लिए ना अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एज इट इज ऐसा ही सवाल आएगा मतलब ये वाला ऐप आप प्रैक्टिस कर लिए तो जैसा सवाल आएगा वो आप कर लोगे जितने क्वेश्चन जितने कंसेप्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आने वाला हो सकता है एज इट इज भी क्वेश्चन आ सकता है मे बी चलो आगे बढ़ते हैं है ना अच्छा फिर आपके मन में ये भी आ रहा होगा ना कि सर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा ले क्या एम सी क्यू पैटर्न में इसमें होंगे मैं लिखवाया नहीं हूँ यहाँ पे इस साल इस साल आया है लेकिन इसमें पी वाई क्यू भी छिपा हुआ है ठीक है चलो आ जाओ इस सवाल पे वाह देखो इसमें क्या है इसमें अपने पास ना क्या लिखा हुआ है देखिए e की पावर x वन प्लस एक्स है इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स ठीक है अब देखिएगा ये जो तो सेक है ना इसका जो थीटा है इसका जो एंगल है वो एक्स इंटू ई की पावर एक्स है और इंटीग्रेट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लिए याद रखना ट्रिको कोई भी ट्रिक्नोमेट्रिक रेशियोज होगा ना कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन हो कॉस हो कुछ भी हो और यहां पे जो यहां होता है, है ना वही यहां होगा तभी इंटीग्रेट हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा तो इसको तो चेंज कर सकते हैं मतलब एक्स को तो यहां अगर एक्स है तो यहां भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए एक्स ही होना चाहिए एक्स का फंक्शन नहीं एक्स ही. ही।, ही अगर यहां पे अल्फा है तो यहां अल्फा होना चाहिए एज इट इज ऐसा नहीं कि उसका फंक्शन लेकिन सर यहां तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स एक्स का फंक्शन यहाँ डी एक्स तो मैं आपसे कहूंगा इसको आप टी मानो सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें किससे हो रही ठीटा से हो रही उसी को हटाओ ना रहेगी बांस ना रहे बजेगी बांस फिर कहोगे सर इसको टी मानेंगे फिर मैं बोलूंगा डिफ्रेंसिएट करो फिर आप कहोगे सर आप ही ना भी सिखाए हो जिसको टी मानेंगे उसका होना चाहिए बिल्कुल तो सर इसको टी मानेंगे तो डिफ्रेंसिएशन है बिल्कुल रहेगा फिर कहोगे सर इस सवाल में तो चलो आप कह रहे हैं तो होगा किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जब कभी भी का कुछ अजीब सा एंगल देना एक्स ना देके थीटा ना देके कुछ अजीब सा एंगल देके तो हमेशा याद रखिएगा उसका वहां पे क्या रहेगा वहां पे छिपा हुआ ही रहेगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में में e की पावर में जो भी होगा वही यहां होना चाहिए नहीं हुआ तो इसको आपको t मानना है और इसको t मानने पे जब टीम करोगे तो इसका यहां पे जो भी होगा उसको t मानने के बाद जब डिफ्रेंसिएट करोगे तो उसका डिफ्रेंसियन भी इसमें छिपा हुआ रहता है देखो आप एक्स इंटू e की पावर एक्स को टी लेट कर लो ठीक है ये ये क्या मैं, मैंने किया ये लेट कर लिया तो बताओ इसका जब मैं करूंगा, तो क्या लगेगा? फिर टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स ओके ठीक है देखो इन दोनों से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है यस सर ई की पावर एक्स कॉमन आ गया यहाँ पे क्या बचेगा वन प्लस एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स ठीक है हो गया सवाल खत्म सवाल खत्म डीएक्स ऊपर आएगा तो यहाँ हो गया ई e की पावर एक्स वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट डी टी है ना तो क्या देखो यहाँ पे ई एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स मतलब ये जाएगा ये जाएगा और ये जाएगा तो डी टी आएगा तो यहाँ से ये यह हो गया सेक स्क्वा टी डी टी तो इसका इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों टेन टी प्लस सी टेन और टी का मतलब क्या है टी का मतलब है एक्स इंटू एक की पावर एक्स प्लस सी ठीक है आया या गया सर आ गया तो टेन एक्स इंटू ई एक की पावर एक्स प्लस सी टेन एक्स इंटू एक... बिफोर भूल इज द करेक्ट आंसर क्लियर हुआ बस सिंपल था है ना चलो लिख लो फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे चले आगे चलिए आइए अब एक सवाल आया अब ये काय का सवाल है सर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है कैसे करेंगे बताओ सिंपल क्वेश्चन है देखो मॉड वाला सवाल है ना कौन सा सवाल है सर मॉड वाला सवाल है थोड़ा सा मैं पानी भी पी लू बच्चों मॉड वाला सवाल है अब इसमें ना हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड वाला सवाल आए ना वन मिनट सोचो जरा मैं जल ग्रहण कर लू ऑक्सीजन hmm. और हाइड्रोजन दोनों ले लिया आप दिमाग चलेगा देखो सॉरी <coughs> जब भी मॉड वाला सवाल रहे ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप पहले मॉड को आपको ब्रेक करना है कैसे सर आपको डिसाइड करना है वो कहाँ पे पॉजिटिव है। है? है है ना पता है तो ना जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आई इक्वल टू एक्स माइनस टू मॉड में और एक्स माइनस टू देखो मॉड यहाँ पे ना मॉड में बस देखो एक्चुअल वाली चीज है क्या जानते हो मॉड के अंदर जो है ना वही मॉड के बाहर यहाँ लिखा हुआ है तो आपको क्या सोचना है आपको जब भी डिसाइड करना है मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है वो कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो या क्वाड्रेटिक तो उसको पहले वहाँ से उसको जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालिए और साइन इसके मरूल बनाइए एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी ये टू है ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ठीक है देखो, x की वैल्यू अगर आप टू से छोटा रखोगे ना कुछ जीरो मतलब अच्छा और माइनस वन कहा होगा यहाँ पे कहीं होगा माइनस वन तो मतलब माइनस वन से अगर मैं टू तक आ रहा हूं तो क्या हो रहा है माइनस वन से अगर मैं टू तक आ रहा हूं तो ये निगेटिव है अब आपको हो गए माइनस वन से तो वन तक ही जा रहे हैं हाँ वन तक ही जा रहे हैं। मतलब यहीं पे कहीं वन होगा तो मतलब आप निगेटिव रीजन में ही रह रहे हो तो सिंपल सिंपल माइनस वन से वन याद रखिएगा बच्चों की माइनस तो वन से वन बिलोंग कर रहा है तो अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन होगा तो ये हमेशा निगेटिव ही होगा दिख रहा है तो ये निगेटिव ही रहा ठीक है और तो यहां से क्या हो गया कैंसिल आउट ये हो जाएगा मुझे पास क्या बचेगा I equal to, minus, मैं बाहर कर देता से से dx, और dx का क्या क्या होगा बताओ सर वो तो तो हो हो गया गया बस है है ना तो ये चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर सिंपल लिखिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चले अगले क्वेश्चन पे यस सर आ जाओ ओहो फिर अरे ये दो क्वेश्चन लगातार नहीं नहीं इसके सेकंड लास्ट ये मैंने कहा चला गया मैं कहा जा रहा हूं मतलब अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना रुक जाओ इसको ना मुझे रफ कर लेने दो तो जरा एक मिनट रुक जाइएगा ये पेज रहेगा ना हम लोग को डिस्टर्ब करेंगे क्या सर डिस्टर्ब करेंगे चलो मतलब मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा था ई e एक्स -E वाला एफ एक्स एफ डेक्स वाला और भी क्वेश्चन अभी किए थे सेकंड लास्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं आ जाए इस क्वेश्चन पे देखो एक्चुअल ये सवाल ना थोड़ा सा लगेगा अपने को ना वन मार्क का नहीं है लेकिन अच्छा सवाल था इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी लेके आया हूं ताकि आपको ना मैं कंसेप्ट रिवाइज करवा पाऊं ठीक है बस आप कंसेप्ट भी रिवाइज के लिए भी ये वीडियोस देखिएगा और जो हमारा एमसीक्यू है इसी कंसेप्ट से आने वाला कुछ बाहर नहीं जाएगा अच्छा मैं बार बार इसलिए बार बार ऐसा चीज़ बोल रहा हूँ ना कि एग्जाम के टाइम में अपने को ये डर रखता और यार ये क्या पढ़ ले ये क्या पढ़ ले कहाँ से पढ़े क्या पढ़े चिल करो चिल करो मतलब मस्ती मत करो रिलैक्स रे, रे, करो जो करवा रहा हूँ बस प्लीज़ उतना करके जाओ आप ठीक है यस सर आ जाइए तो अपने पास है ई एक्स ब्रैकेट में क्या है वन माइनस एक्स अपॉन में क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर और अच्छा होल स्क्वायर है एक काम करो सुनो अपने को ना देखो मैं क्या सिखाया ई एक्स एफ एक्स दिखेगा है ना कुछ फंक्शन दिखे मतलब एफ एक्स और क्या होगा एफ डेस एक्स होगा ऐसा कुछ दिखेगा तो अपने को क्या सोचना है सर अपने को सोचना है ई एक्स एफ एक्स होता है बोलो हाँ या ना बोलो यस सर नो जी सर होता है बट यहाँ पे ना स्क्वायर है पावर में मतलब यहाँ पे वन है ठीक है और यहाँ पे क्या ये तो टू है अब इसको कैसे करेंगे सुनना देखो कैसे करेंगे देखते दे जाना कैसे करेंगे सर पे स्क्वायर है और पावर में मुझे वन लाना है तो एक काम करते हैं ना स्क्वायर को हटा देते हैं मतलब सर एक्सपेंड कर देते हैं। A -B का होली लगा देते हैं हैं का होल स्क्वायर लगा तो सुनो उसको लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये अलग अलग करना पड़ेगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर सुनते जाना ध्यान से ऐसा मैंने किया ठीक है फिर अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे

Plus X square का कोई कोई दर्द कोई तकलीफ तक नहीं सर अब सुनिएगा कुछ yes. कैंसिल ऐसे तो सवाल सवाल तो कैसे बता रहा हूं ऐसे कैसे देखो ऐसा हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको प्लस कर लो और ये जो माइनस है ना टू एक्स को दे दो चलो ऐसे लिख लेते हैं ठीक है अब जरा ध्यान से देखो जो पहले लिखा हुआ है ना पहले का मतलब क्या सर जरा ध्यान से देखो मेरे नीले पीले वन अपॉन वन प्लस का जब आप डिफ्रेंसियन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसका डिफ्रेंसिएशन ये है करके देखिएगा ये एफ एक्स है ये एफ डेक्स है ये क्या है बच्चों सर ये एफ एक्स है और ये क्या है बच्चों सर ये fx है ठीक है आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा e की पावर x इन टू एफ एक्स एफ का काम कौन कर रहा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी सिंपल आंसर है क्या ऑप्शन में देखो तो कौन सा आंसर है ऑप्शन में देखो ए ही लग रहा है ना हाँ सर ए है क्लियर हुआ सिंपल चलो लिख लो सर मैं ऑनेस्टली कहूँ ये वाला सवाल वन मार्क के लिए नहीं हो सकता था इतना करना पड़ा लेकिन मैं थोड़ा सा ना इस कंसेप्ट को एक लेंदी क्वेश्चन लेके यहाँ पे ताकि कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज करवा पाऊँ कि डायरेक्ट भी नहीं दिखता है ऐसे दिखेगा तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह कैसे आप पावर को कम करना है आपको वन लाना है वो सब के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया था ठीक है अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना ओह हो सर ये तो ईजी है ईजी पीजी सवाल है कैसे करेंगे बताओ सुनो सर यहाँ पर डी नहीं है कोई बात नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है प्रिंटिंग मिस्टेक है ई की पावर ओ ई कहाँ से लिख दिया मैंने 2 की पावर x 2 है ना dx देखो हम लोग ना एक इंटीग्रेशन का फॉर्म e की पावर x dx जानते हैं देखो जो यहां पे है वही एक ही वही a की पावर में भी है a की पावर x into dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ सर a की पावर x और अपॉन में क्या होता है log ऑफ a होता है प्लस c बोलो होता है कि नहीं होता हां सर होता है तो यहां पे 2 की पावर क्या है x 2 dx है इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन क्या करना है इंटीग्रेशन तो मैं क्या सिखाया हूं जो ए की पावर में हो वही डी के साथ हो तो सर ए के पावर में तो एक्स प्लस टू है कोई दिक्कत नहीं उसको टी मान लो उसका डिफ्रेंसिएशन फिर कहोगे नहीं है है ना x प्लस टू को आप t मानोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन भी है ये या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कैसे सुनना या तो आप इसको t मान लो dt टी इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा टू की पावर t का इंटीग्रेशन कर देना या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या टू की पावर x इंटू टू की पावर टू बोलो

और चालू इज द करेक्ट आंसर और तो कुछ नहीं है नहीं सी इज द करेक्ट आंसर समझ में आ गया ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और ऐसे भी आप इसको t मान के भी सोच सकते थे अगर एक्स प्लस टू को आप t मानेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी देता पावर टी का इंटीग्रेशन टू की पावर टी अपॉन लॉग टू हो जाता ठीक है चलो और फिर टी का वैल्यू एक्स प्लस टू रख देते चल अगले सवाल पे चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है प्लस फाइव बाय फोर इजी सवाल है बताओ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स क्या हो जाएगा एक और लिमिट कहां माइनस पाइव बाय फोर से प्लस पाइव बाय फोर हो गया अपर माइनस लोअर तो ये हो जाएगा टेन पाइवर अपर माइनस लोअर रख दो लोअर लिमिट कितना है टेन माइनस फाइव फोर ठीक है ये बच्चों वन देगा और सुनो यहां पे वैसे मैं डायरेक्ट इसको माइनस वन लिख सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए याद रखिएगा थीटा क्या, क्या, क्या सर याद रखिएगा सेक माइनस थीटा होता जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना वो माइनस खा लेता है ये हो जाता है सेक थी और ये हो जाता बच्चों ठीक है कॉस्ट थीटा सेक थीटा बाकी सारा ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज माइनस को बाहर करेगा याद रखना बाकी के चारों तो यहाँ पे टेन माइनस बाहर करेगा तो ये तो वन हो गया टेन पावर मतलब ये 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 हो जाएगा माइनस बाहर करेगा प्लस 10 फिर से और ये ये आंसर बोले तो है क्या ऑप्शन में डिफोर्ट ढोलक इज द करेक्ट आंसर ठीक है देखो मैं आपको बोला था ना स्टार्टिंग में ही मैं आपको ना कुछ कुछ कंसेप्ट भी रिवाइज करवाते चलूंगा याद रखिएगा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है वही माइनस को समझो खा लेता है थीटा थीटा है, 2x dx, 2x dx, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम जानते हैं टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से बोलो अरे मैं लिख के बता देता हूं देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्टा वन होता है टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लाएंगे मतलब तो ये और माइनस कोई साइड वन कोई साइड लाओ तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्स का वन टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का टेन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा टेन तो यहां तक क्लियर हो रहा है कि आप लोग टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा सॉरी माफ कीजिएगा हाँ टेन स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्स वन लिख सकते हैं लिख सकते हैं जी सर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं अरे इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप है ना? है ना टेन स्क्वायर कैसे नहीं जानते ना टेन को सेक तो आप पहले हाँ 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 मैं टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ थीटा। थीटा का का माइनस का वन ठीक है? है, है यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं ओके अब सुनो ध्यान से अब मैं यहाँ पे ना सेपरेट करूंगा क्या करूंगा सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स डी एक्स

Linear से रिप्लेस करूंगा जैसे मैंने एक्स को रिप्लेस किससे कर दिया एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दिया तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैपिटल बच्चों ए आ जाएगा प्लस ऑफ सी सिंपल ठीक है तो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा <coughs> क्या टेन टेन क्या टू एक्स ठीक है जी सर और अपॉन में ना एक्स का ए है तो एक्स का तो पाइव बाई एट, एट ठीक है अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये तो अपॉन में टू है ना चलो रहने दो, उसको रहने दो फर्स्ट अपर लिमिट क्या है पाई बाई एट तो देखो टू इंटू पाइव बाई एट कितना पाव बायर अरे चमकू अरे ये यार देखो नेक्स्ट टू रखा अपर माइनस चलो लोअर रखूंगा लोअर लिमिट क्या जीरो है तो कितना हो जाएगा? टेन टू इन टू जीरो और माइनस में हो जाएगा ये अपर पाई माइनस ऑफ़ जीरो ठीक है? ये बार में जाएगा सर चार बार में जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा टेन पाई फोर। जो वन होता है टेन जीरो तो जीरो होगा अपॉन में टू और माइनस पाइव बाई एट माइनस जीरो मतलब पाइव बाई एट ही आएगा बोले तो सर वन बाय टू माइनस एट सिंपल वन बाय टू माइनस एट है सर नहीं है सर कोई नहीं ले लेते हैं एलसीएम कितना एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था वो वाला हाँ ये वाला देखो ये वाला इसमें भी आप ये वाला लॉजिक लगा सकते थे कौन सा ये अगर आप स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस बी को आप मान लो इंटीग्रेट किए है ना इसमें भी आप लगा सकते थे सिंपल ये कैपिटल एफ ऑफ

वही बच्चों ये डिवाइड में जाएगा ना मैं क्या कर रहा हूँ ये डिवाइड में जाता ना इंटीग्रेशन में डिवाइड में डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ टू चला जाएगा क्लियर क्लियर वही मैंने यहाँ पर भी किया था उस समय आप लोग भी सोचे होंगे सर ऐसे कैसे हो गया ऐसे भी तो कर सकते थे बिल्कुल कर सकते थे चलो तो कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला कर लिए ना लिख लीजिए इसको हमारा इसका आंसर ए हो गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लिखिए जल्दी से इसको लिख लिए चलिए चले।, चले आगे बच्चे यस सर ओहो अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है

ठीक है और यहाँ से x से क्या हो जाएगा ये x square by 2 और 1 by x क्या वो होगा ये log x plus c देख लो आंसर x square by 2 log x plus c x square by 2 b फॉर भूलो इज द करेक्ट आंसर ठीक है चल अगले सवाल हम्म ये तो कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है है ना इजी है दो तरीके से इसको कर सकते हो आप इसको t मान के डिफ्रेंसिएट कर देना और हाँ याद रखना डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम लोग टी मानते हैं या जेड मानते हैं जब सबूट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्सिट्यूट लिमिट भी चेंज होता है लेकिन मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूंगा इसको टी मानोगे तो डिफ्रेंसियन हाँ, मानो तो होगा टू एक्स है तो अपने पास लेकिन हम लोग टी नहीं मानेंगे सुनो क्या करेंगे देखो ये जो आपको वन प्लस एक्स है ना जी सर दिख रहा है इसका डिफ्रेंसियन होता क्या है ठीक है अब मुझे बताओ अभी कुछ देर पहले मैं ये रिजल्ट यूज किया था एफ डेक्स बाई एफ एक्स किया था बताइएगा एफ डेक्स बाई एफ एक्स क्या होता है सर ये तो लॉग ऑफ एफ एक्स होता था प्लस सी, ठीक है तो यहां से अपने पास है टू से लेकर थ्री एक्स अपॉन क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स ठीक है अब इसका डिफरेंशिएशन तो टू एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 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 टू का डिवाइड कर दू। ठीक है? उससे क्या होगा ये अगर मेरा एफ एक्स का काम कर रहा होगा किसका काम कर रहा होगा एफ एक्स का काम कर रहा होगा तो ये किसका काम करेगा एफ डेक्स का, का काम करेगा ठीक है तो यहां से वन बाई टू ये एफ एक्स है तो ये एफ डेक्स है तो यहां से आ जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ

लॉग ऑफ थ्री प्लस नाइन प्लस वन टेन लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ क्या 5 ठीक है ये हो गया 1 बाई टू लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है तो सर log m बाई एन होता है ठीक है हो गया ये 2 से कट जाएगा तो मतलब कहने को 1 बाई टू लॉग ऑफ 2 प्लस सी है क्या अपने पास 1 बाई टू लॉग ऑफ 2 हाँ c फॉर चालू इज द करेक्ट आंसर ठीक है सिंपल इसको आप t भी मानते तो याद रखिएगा अगर t मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज करते लेकिन

स्क्वायर माइनस एक्स स्क्स इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आपको नहीं याद है तो सुनिएगा मैं याद करवा देता हूं सबसे पहले आपको क्या करना है X लिखना है और जो है सवाल में मतलब वही लिख दो पे लिख दो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिए एक्स बाई टू जो है आपने वही लिख दिया फिर क्या करना है आपको ए स्क्वायर के सामने पॉजिटिव है तो यहां पे लिखिए पहले प्लस ए स्क्वायर बाई टू ठीक है और जब ये डिनोमिनेटर में होता है जब ये चीज डिनोमिनेटर में होता है तो क्या होता था उसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से क्या होता था वेरी गुड साइन इनवर्स तो ये क्या देगा मुझे इनवर्स देगा ठीक है ये इसका आंसर होता है ठीक है ओके okay, सर ये रिजल्ट मैंने आप लोग को बोला भी है कि याद कर लो ये सब है ना नाइन स्पेशल रिजल्ट थे वो तो बस हो गया इसका लगा तो इसमें क्या हो जाएगा देखो फोर है ना तो जैसे ये जीरो से टू हो जाएगा फोर को मैं लिख सकता हूं टू का स्क्वायर

जीरो से लेकर टू ओके रख दो अपर लिमिट अपर माइनस लोअर तो अपर लिमिट रखूंगा अपर लिमिट रख रहा हूं टू मतलब और यहां तो कैंसिल कर लो इसको है ना टू बार में तो यहाँ जीरो प्लस टू इंटू साइन इन टू बाई टू ठीक है अपर माइनस ये अपर हो गया माइनस लोअर लगाते हैं अब यहां पे रखिएगा जीरो तो ये जीरो इंटू कुछ भी जीरो प्लस साइन इन वर्स जीरो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहां से आ जाएगा अपने पास टू इन इनवर्स वर्ष और साइन इनवर्स वन। वन को क्या बोलते हैं पाए बाई टू तो ये टू इंटू पाए बाई टू हो जाएगा मेरे दोस्त और ये क्या देगा सर देगा इतना सिंपल क्वेश्चन था है ना और ये पाए डी फॉर ढोलक इज द करेक्ट आंसर चले अगले क्वेश्चन पे बहुत सिंपल था चलिए आइए अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो एक फंक्शन एक्चुअल में मैंने ये जो लिखा हुआ है ये ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे ना कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो मुझे लॉग एक्स मिला तो अपने से एफ एक्स पूछ रहा है याद रखिएगा एफ एक्स पूछ रहा है मतलब अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पर लॉग एक्स आ रहा है तो लॉग एक्स को अगर आप क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे ना लॉग एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा एफ एक्स मिलेगा सवाल खत्म है ना तो सिंपल log x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा एफ fx मिलेगा और याद रखना log x का इंटीग्रेशन ना बाबा ना 1 by x डिफरेंशिएशन होता है आ गया था मन में ना log x का इंटीग्रेशन 1 by x नहीं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x log x का इंटीग्रेशन होता है x log x minus x plus c ओ सर ये कैसे याद होगा करना पड़ेगा यार x log x minus x plus c ठीक है सर कैसे आया एक बार मैं बता देता हूं ये कैसे आया हुआ है Log x, कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई में तो वन है डी एक्स हो गया ठीक है अब इसमें अब अगर आप आईलेट रूल लगाओगे कौन सा रूल लगाओगे लगाओ e, तो लॉग हमारा, 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 तो हमारा किसका काम कर रहा है लॉग एक्स हमारा यू का, का काम करेगा है ना और वन हमारा वी का, का काम करेगा ठीक है तो यहां से आ जाएगा हमारा अच्छा u इंटू वी का इंटीग्रेशन भी आपको मैं याद करवा देता हूं मैं पहले ही बोला हूं कि मैं को ना फॉर्मूला भी आपको याद करवाते जाऊंगा u v का इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर माइनस u का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है फिर v का इंटीग्रेशन करना है वही यहाँ पे आ नहीं आ पाएगा क्या चलो तो लिख देता हूँ मैं और जो भी मिलेगा बच्चों उसका एक बार फिर से क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है ये ठीक है तो क्या होगा लॉग एक्स लिखूंगा मैं इंटू वी का काम कौन कर रहा है वन वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर माइनस क्या करेंगे लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे ओके फिर इसके इंटू में क्या आ जाएगा वी वी मतलब वन वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा अब ये जो भी मिला ये जो भी मिलेगा ना उसका एक बार फिर से क्या करना है आपको इंटीग्रेशन कर देना है हो गया वन डी एक्स क्या देगा ये एक्स देगा तो एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया माइनस यहां से क्या मिलेगा बच्चों सर ये लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स फिर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा डी एक्स ये एक्स से एक्स गया तो वन डी एक्स मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया ये तो यहां से आ गया मेरे पास एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स ठीक है आप कॉमन ले लो एक्स ठीक है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप बुक में कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तो वैसे इसका तो आंसर आ ही गया है हमारा एक्स लॉग एक्स माइनस ऑफ वन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सील बोलो या एक्स कॉमन ले लो लॉग एक्स माइनस वन बोलो तो बी फॉर भोलू इज द करेक्ट आंसर ठीक है ओके जी चलिए अगले क्वेश्चन पे चले सिंपल

तो क्या हो जाएगा ये 10 पहले अपर लिमिट रखा मैंने पाई बाय 6 ठीक है ये तो ऑलरेडी एक पाई बाय 6 पहले से अपर माइनस लोअर माइनस लोअर ठीक है तो ये पाई बाय 4 पाई बाय 6 पाई बाय 6 तो कट जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा 10 जीरो और माइनस ऑफ़ ये हो जाएगा आ, 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 कितना 10 ऑफ़ माइनस पाई बाय 6 होगा बोलो हाँ या ना और अभी हम लोग देखे हैं जो फोर्थ में होता है वही माइनस खाता है जो फोर्थ में पॉजिटिव होता है जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो वही माइनस को खा लेता है जैसे सेक माइनस ठीठा सेक ठीठा कॉस माइनस थीटा कॉस माइनस ठीटा क्या होगा कॉस थीटा टेन तो माइनस को बाहर कर देगा ये तो जीरो हो जाएगा ये माइनस बाहर आ जाएगा मतलब प्लस और ये कितना देगा टेन पाए बाय सिक्स और टेन पाई बाय सिक्स बच्चों क्या होता है सर वन बाय रूट थ्री टेन थर्टी डिग्री वन बाय रूट थ्री ए फलू इज द करेक्ट आंसर चमको चमक गयू चलो अगले क्वेश्चन पे चले सिंपल ये भी सिंपल क्वेश्चन है अभी के जैसा है. अभी एक किया ना मतलब ये देखो एफ एक्स एक फंक्शन उसका हो रहा है ये ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, है ना ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ओके डी स्लैश डी एक्स और एफ एक्स लिखे तो ये समझिएगा ये लिखा हुआ है जैसे दो क्वेश्चन पहले भी देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ था वही यही कहाँ गये हो ये वाला चीज ठीक है वैसे ही समझना है आपको है ना तो एफ एक्स का डिफ्रेंसियन मुझे मिल रहा है ए एक्स प्लस बी ठीक है साथ ही साथ एंड अपने को कुछ दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ है, ठीक है मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू तो जीरो आ रही है तो अपने कैसे निकलेगा सर अगर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो मुझे बी मिला तो एक्स बी एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा एफ एक्स मिलेगा चलो आ जाओ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक है तो इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो हो जाएगा का हो जाएगा का आ रहा है ना और बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर बी ठीक है सर प्लस सी भी करो चलो कर दिया है ना अब एस गिवन दिया हुआ है जैसा कि दिया हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा ये सर अपना एफ एक्स ये क्या है हमारा एफ एक्स ठीक है क्योंकि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स प्लस बी था एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा तो यहां से अपने पास एफ एक्स इक्वल टू देखो तो क्या आया हुआ, हुआ है सर ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू वही प्लस बी एक्स होगा ना ये मैं क्या कर रहा हूँ बी का इंटीग्रेशन बी एक्स ना ये बी एक्स प्लस सी हो गया ठीक है अब सुनिएगा ध्यान से सर ये क्यों दिया हुआ है बच्चों ये जो दिया हुआ है ना एक्स की आ, ये सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है अगर मैं रखा एफ जीरो एक्स का वैल्यू मैं जीरो रखता हूँ तो ये हो जाएगा ए इंटू जीरो का स्क्वायर बाई टू प्लस बी इंटू जीरो प्लस ऑफ सी एफ जीरो कितना दिया हुआ है बच्चे जीरो दिया हुआ है ये पूरा जीरो जीरो सी का वैल्यू भी जीरो आ गया सी का वैल्यू भी जीरो आ गया तो यहां से हम समझ गए जो हमारा सो so, हम कह सकते हैं कि अपना एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा सर वो आ गया ए एक्सर बाई टू और प्लस ऑफ वॉट बी एक्स सिंपल एक्स स्क्स ऑफ बी एक्स सिंपल बी फॉर भोलू इज द करेक्ट आंसर तुम्हें भोलू कौन है जरा कमेंट करके बताना ठीक है बढ़े आ गया चलो अगला क्वेश्चन देखो एंटी डेरिवेटिव ऑफ अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है

आप माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा आएगा वन माइनस टेन एक्स और अपॉन में वन प्लस याद रखिएगा ये जब कभी भी आपको ऐसा दिखे ना वन माइनस एक रूल याद रखना है, इसका रिजल्ट याद रखना क्या सर इसका रिजल्ट याद रखना ये होता है टेन पाए बाय फोर माइनस एक्स सिंपल आपको ये याद रखना है सिंपल नथिंग एल्स आपको ये याद रखना है सर ये कैसे आता है कुछ नहीं है बेटा कुछ भी नहीं बहुत ईजी है देखो मैं यहां बता देता हूँ आपको टेन पाए बाय फोर है 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 मतलब 10 A B है, 10 A B क्या होता है? तो सर ये होता है टेन ए माइनस का टेन बी और अपॉन में क्या होगा टेन पाए बायर मतलब टेन बोले तो फोर्टी फाइव वन होता है तो ये वन माइनस क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा अपॉन में आ जाओ ये वन प्लस टेन ये तो वन हो जाएगा वन इंट एक्स टेन एक्स हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स याद रखिएगा ठीक है अच्छा अगर यहीं पे मान लो प्लस होता सुनना ध्यान से यहीं पे अगर प्लस होता तो आपको क्या याद रखना एक और रिजल्ट 10, 4, प्लस X, आपको डायरेक्ट याद रखना ये उल्टा हो जाता है मतलब, प्लस वाला उपर, वाला नीचे, one plus 10X, और अपॉन में आ जाएगा वन माइनस टेन एक्स सिंपल ठीक है याद रहेगा यस सर तो बस हो गया अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है कहा लिख दो कहा लिख दो चलो देखो ये तो माइनस है टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद करवा देता हूं मैं उसे बताया हूं याद रखिएगा है ना टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है साइन बाय कॉस होता है ना देखो ये आप लिखोगे लॉग ऑफ सेक एक्स सिंपल लिख दो है ना प्लस से या आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स तो चलो सेक यूज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे सर पा बायर माइनस का एक्स

ठीक है ये माइनस माइनस कट गया और प्लस सी कर लो यहां पे हो गया आंसर तो अपने पास आ गया लॉग ऑफ सेक फोर माइनस एक्स प्लस चालू इज द करेक्ट आंसर ठीक है लॉग सेक ऑफ पाइव बाय फोर माइनस एक्स प्लस सी चले नेक्स्ट सवाल पे चले ओहो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया देखो क्या लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले इसका डिग्री देखना है ठीक है देखो चाहे आपसे डिग्री पूछे या ऑर्डर पूछे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक क्या ये फ्री फ्री फ्रॉम फ्रॉम रेडिकल रेडिकल है सर ये free from radical? अरे कुछ नहीं पावर में कुछ आ, अन ये फ्रैक्शन तो नहीं है ना पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है ये चेक कर लो सर यहाँ पे तो नहीं है क्या पूछ रहा है इसका सर 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 इसका डिग्री पूछ रहा है चलो पहले ऑर्डर डिसाइड करो इसका ऑर्डर क्या है दो है. तो इसका है. जहां से डिग्री हो जाएगी डिग्री पावर देखा करो तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी वन आयो समझ में लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक पावर जो हमारा है वो रेडिकल तो नहीं है मतलब फ्रैक्शन में वगैरह में तो नहीं है ये चेक कर लेना आपने को ठीक है ठीक है जी चलो हलवा से सवाल था ये डिग्री तो इसका क्या हो गया वन हो गया

सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करो हाईएस्ट बात डिफरेंशिएशन कहा हुआ है सर यहाँ बोलो या यहाँ बोलो सेम ही है मतलब यहाँ पे अगर सर ऑर्डर देखा जाए तो सर इसकी ओ फॉर ऑर्डर बच्चों लिखी देता हूं, मैं पूरा है है ना ऑर्डर ऑर्डर सर सर इसकी है. तो सर से डिग्री बोल दे ना बाबा ना मैं जानता हूँ इसका डिग्री क्या अभी समझा देता हूँ इसकी डिग्री मेरे नीले पीले इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड क्योंकि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल नहीं है जैसे मैं आपको हम लोग नाइन्थ क्लास से पढ़ते हैं एक्स में कैसा दिखता है बताओ सिंपल सर एक्स की पावर एन होती है यहां पे कुछ कोई टर्म होता है कोई कांस्टेंट है ना फिर ए एन माइनस वन लिखते थे फिर एक्स की पावर एन माइनस वन इस तरह से चलता था ये मेरा एक्स में पॉलिनोमल है उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारा डिफरेंशियल कोफिशियंट कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशियंट में ये पॉलिनोमल है नहीं है क्योंकि पॉलिनोम का मतलब लॉग वगैरह ना आए ट्रिग्नोमेट्रिक ना आए और आ भी गया अगर लॉग आ गया या ट्रिग्नोमेट्रिक आ भी गया ना तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म मतलब डिफरेंशियल वाला टर्म उसमें नहीं होना चाहिए मतलब के साथ का एंगल वाई एक्स ना हो, हो लॉग के साथ ना हो डी वाई बाई डी एक्स वाला चीज या ई के पावर में ना हो एक्सपोनेंशियल के पावर में ना हो टू के पावर में ना हो है ना तो यहां पे दिख रहा है मुझे लॉग के किस पे अप्लाई है डी टू वाई बटे डीएक्स स्क्वायर तो यहां पे लॉक के साथ अगर एक्स आ जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं रहता तो मैं डिग्री की कितनी बोल देता वन बोल देता लेकिन लॉग एक्स हो जाता ना बच्चा यहाँ पे ये ना हो कि लॉग एक्स होता ना दिक्कत नहीं था मुझे लॉग के साथ कौन आ गया ये आ गया तो सिंपल इसका डिग्री क्या बोल देंगे नॉट डिफाइंड याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में आ जाए डिफ्रेंसिएशन वाला चीज या ई के पावर में चला जाए है ना ई के पावर में मान लो डी वाई बाई डी एक्स हो जाए या जरूरी नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क् डी थ्री वाई बाई टी डीएक्स क्यूब ऐसा कुछ आ जाए या फिर आपको टू के पावर में कुछ आ जाए है ना या साइन के एंगल में आ जाए है ना समझ रहे हो ना ये सब आ जाए क्लियर हो रहा है साइन किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए चाहे वन बाई डिफरेंशिएशन हो या टू बाई डिफरेंशिएशन हो या लॉ के साथ आ जाए तो आप आंख बंद करना और डिग्री नॉट डिफाइंड कह देना ठीक है क्योंकि वो पॉलिनोमल नहीं हो पाता है फिर वहां से डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमल नहीं हो पाता है ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं

या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जो पी ऑफ क्यू है या फिर क्या है ये एफ ऑफ एक्स है ठीक है या तो एनी या फिर ऑफ होता होता है ओके ओके सर हाँ, अब यहां से जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो होता था ई e की टकली पे पी का इंटीग्रेशन e आ रही है बात समझ में यस सर आ रही है यहां तक कहानी क्लियर है अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या होता था वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सॉल्यूशन जो होता था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स सिंपल सिंपल क्लियर बच्चों क्लियर ओके ओके इसको मैं साइड कर देता हूं थोड़ा सा चलो ठीक है ना लेकिन एक और चीज रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको जैसे डी एक्स बटे होगा ना तो यहां पे ना पी के साथ एक्स होना चाहिए देखो यहां पे वाई है तो पी के साथ वाई अगर यहां पे x है तो p के साथ x होना चाहिए ठीक है और इक्वल टू में q इस केस में p और q क्या होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ क्या होगा y का फंक्शन होना चाहिए p और q इस केस में और इस केस में मेरे नीले पीले इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो e के पावर में p इंटू क्या हो जाएगा dy जो यहां पे है देखो अगर dx से नीचे तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे dy है तो dy के रिस्पेक्ट में इस केस में जो मेरा सॉल्यूशन होता है इस केस में जो सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था बताओ जल्दी से सर वो x देखो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखे इसमें x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे और इक्वल टू q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू में क्या लिख देंगे यहाँ पे डी वाई लिख देंगे ठीक है ये दो तरीका है दो चीज इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ओके सर तो ये सवाल क्या है इसको मैं रफ कर दू क्या इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप एक बार ठीक है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई ओके ओके जल्दबाजी में

अभी मैंने जो भी आपको अभी कॉपी पे आप नोट किया था डी वाई बाई डी सामने तो पॉजिटिव वन था बट यहाँ पे तो क्या है एक्स लॉग एक्स तो मुझे यहाँ पॉजिटिव वन लाना है तो एक काम करो ना सिंपल तो है एक काम करो ना यहाँ वन लाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं दोनों तरफ क्या कह रहा हूं मैं दोनों तरफ या कॉमन ले लो ये भी कर सकते हो या तो मैं दोनों साइड एल एच को मैं क्या करता एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर दो या फिर एक्स लॉग एक्स को इसको कॉमन ले लो एक्स लॉग एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पे ये हो गया डीवाई बाई डी ठीक है प्लस आ, वाई के अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स लॉग एक्स ठीक है और इक्वल टू में क्या देखेगा टू इन टू लॉग एक्स ओके कुछ कटेगा सर लॉग एक्स लॉग एक्स कट गया और कुछ कटेगा नहीं सर कटेगा ठीक है और कुछ कटेगा अब ये जो टू है ना और जो एक्स है उसको राइट साइड ले आओ तो ये हो जाएगा ये। तो प्लस दी दी प्लस 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 में क्या दिख रहा है वन अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू तो टू अपॉन देखो ये सवाल मुझे समझाने में समय लगा इतना टाइम वाला सवाल नहीं है ना डीवाई बाई डिक्स वन अपॉन और वाई ठीक है अब देखो यहाँ पे p का काम कौन कर रहा है जरा कंपेयर करो तो जरा इससे डी वाई बाय है ये ठीक है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू पी का काम बताओ दोस्तों कौन कर रहा है ये तो y है p का काम सर ये कर रहा है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में p डी एक्स ठीक है तो e की पावर में p p का, का काम कौन कर रहा है जी p का, का काम कौन कर रहा है वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स अब सुनिएगा ध्यान से इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अरे सिंपल है सिंपल है क्या है सिंपल है देखो 1 uh, log x को अगर आप t मानते हो यहीं पे कर लो log x को आप अगर t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 x equal to dt by dx कहने का मतलब है 1 x dx ऊपर जाएगा 1 x into dx equal to क्या हो जाएगा dt 1 x into dx equal to क्या हो गया dt तो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा e की पावर 0 ध्यान से वन बाय एक्स ठीक है और डीएक्स गया उसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं डी टी लिखूंगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी ठीक है वन बाई एक्स डीएक्स की जगह पे भी डी टी लिखूंगा और लॉग एक्स को मैंने क्या मान के रखा है टी वन अपॉन टी और ये हो गया डी टी तो ये हो जाएगा ई e की पावर टी ठीक है और और अरे रुक तो जाओ टी टी का मतलब क्या था बच्चों लॉग एक्स था टी का मतलब क्या था लॉग एक्स था अब देखो मजा आने वाला है इसकी भी बेस ई e है इसकी दोनों की बेस सेम है तो ये चला जाता है सिर्फ क्या बसता है, बसता है तो इसका तो इंटीग्रेटिंग ये, प्रॉपर्टी ये लगा देखो जैसे ए है पावर में ए के पावर में लॉग एक्स टू दी बेस ए है ये दोनों सेम है ना तो आंसर सिंपल सिर्फ क्या होता है एक्स हो जाता है क्लियर हुआ सिंपल ठीक है बड़े आगे चलो देखो अब ये वाला सवाल देखो इसमें क्या कर रहा है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा इसका सोल्यूशन पूछ रहा है सिंपल है देखो कुछ नहीं है बेटा बहुत हलवा है मतलब ये कुछ इक्वेशन दिया होगा ये कुछ इक्वेशन से कह रहा है अब इन इससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना होगा तो कौन है इसका सिंपल है सुनो ध्यान से इसी को यही सबसे ना डिवाई बाई डी निकाल के उसमें रखो देखो एल एच एस आर एच का भी पोल हो रहा है मतलब सर ये जितने भी ऑप्शन है ना, हम लोग इसमें ऑप्शन के थ्रू चलते हैं हर ऑप्शन से आप डीवाई बाई डी एक्स निकालिए और उसको क्या करो यहाँ पे रखिए रख के देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं मतलब एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो रहा है कि नहीं यहां से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इससे आ रहा है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू का डिफ्रेंसियन जीरो जीरो आ रहा है तो मेरे नीले पीले देखो डीवाई बाई डी यहां पर रखूंगा जीरो का स्क्वायर माइनस एक्स ये हो गया जीरो प्लस वाई इक्वल टू जीरो नहीं सर ये तो बच्चों जीरो प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है नहीं ये नहीं जीरो इक्वल टू जीरो आना चाहिए था

तो बच्चों इसका भी डिफ्रेंसी तो टू टू एक्स माइनस फोर टू ही होगा तो ये भी नहीं होगा इस पे आ जाओ जब मैं इसका डिफ्रेंसी करूंगा तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर एक्स ठीक है इससे टू आ रहा था इससे भी टू आ रहा था नहीं हुआ इससे मिलेगा मुझे फोर का तो जीरो टू एक्स स्क्वायर का फोर एक्स हो गया रखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखो तो यहाँ पे रखता हूँ फोर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखूंगा मैं फोर एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू क्या जीरो ठीक है तो ये हो गया सोलह एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो ठीक है और और सुनिएगा ध्यान से ये कितना देगा ये बारह एक्स स्क्वायर दिया ठीक है क्या दे दिया ये बारह एक्स स्क्वायर और और अरे और, 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 बच्चों यहाँ पे वाई की वैल्यू भी रखना है ना वाई की वैल्यू तो अपन रख ही नहीं रहते किसी में वाई की वैल्यू ये हुई ना मिस्टेक सर आप वाई की वैल्यू कहीं क्यों नहीं रख रहे थे जानते हो क्या हुआ मिस्टेक देखो ऐसे कैसे आप कह दिए नहीं होगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जो जा, रुक जाओ अरे अरे किसी भी ऑप्शन में मैं फिर वाई की वैल्यू ही नहीं रख रहा था चलो एक बार फिर से देख लेते हैं ठीक है ना यहाँ पे डी वाई बाई डी एस की वैल्यू यहाँ से अपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सर जीरो मिलेगी रखो यहाँ पे जीरो ये भी जीरो हो जाएगा और वाई का वैल्यू में टू वाई का वैल्यू मैं टू रखूंगा ये जीरो के कुल नहीं है ऑप्शन ए नहीं होगा माफ कीजिएगा ठीक है यहां से बताओ हम है? है। लोग रख ही नहीं रहे थे ये हो गया। ये तो कट जाएगा नहीं और इक्वल टू में जीरो चल रहा है फोर और जीरो बराबर तो नहीं होता ये भी नहीं होगा बी भी, भी नहीं होगा माफ कीजिएगा सर बारे बार बार माफ क्यों मान रहे हो इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि वाई का वैल्यू नहीं रखा था होगा क्या जब इस पर नहीं हुआ तो इस पर क्यों, क्योंकि, 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 क्यों नहीं हो सकता है सर? हो सकता है। है? है है? से 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 ऑप्शन सी क्या आ रहा है? यहां से आ रहा की वैल्यू रही है अपने को बच्चों। कितनी टू? ठीक टू. रख दो जरा तो ये टू का प्लस टू एक्स माइनस का फोर ये प्लस फोर माइनस फोर गया प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स गया हाँ इससे आ रहा है इससे जीरो आ रहा है मतलब मैं बोलूंगा ये है इसका सॉल्यूशन ये है समझ में आया द सॉल्यूशन ऑफ द इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सी है एक बार डी रख के देख लो डी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा बच्चों तो डीवाई बाई डी क्या मिलेगा मुझे सर ये आपको मिलेगा फोर एक्स फोर एक्स मिलेगा ना जरा रखो तो इसमें फोर एक्स का स्क्वायर करूंगा ठीक है माइनस एक्स फिर डीवाई बाई डी एस को मैं फोर एक्स रखूंगा फिर वाई का वैल्यू क्या रख दूंगा 2x square minus 4. देखो तो ये ये दे रहा है क्या? ये है क्या? ठीक और 4x square नहीं ये भी जीरो नहीं दे रहा ये भी जीरो नहीं दे रहा मतलब ये भी ऑप्शन वैसे नहीं होगा आंसर क्या होगा सी फोर कैट इज द करेक्ट आंसर जल्दी से लेके फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे चलिए चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखो अब इसमें क्या रहा है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक है है? कैसा बताइएगा सर वो तो बहुत simple है। क्या है dx by x plus में dy by y. ये एक differential equation दिया हुआ है। इसका solution निकालना हलवा सवाल है क्या हलवा है देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या dx by x. या सुनो ऐसे कर दोन बाय एक्स इंटू डी एक्स लिख लीजिएगा और इक्वल टू में जाएगा ये वन बाय वाई इंटू डी वाई ठीक है ये माइनस में अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इसको क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर log x होगा टू दी बेस ठीक है फिर इक्वल टू में ये माइनस का माइनस है का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर लॉग वाई टू दी बेस ई अच्छा अब देखो सुनना ध्यान से जब कभी भी ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में या इवन इंटीग्रेशन में ना डिफरेंशियल इक्वेशन में हो या इंटीग्रेशन में हो जब भी सारा आंसर ना लॉग में आएगा ना तो सी को भी ना आप जो कांस्टेंट टर्म लेते हैं उसको भी ना आप लोग ना लॉग में ही लिया करो किस चीज में लिया करो लॉग में ही लिया करो ठीक है ये ये हो गया अब यहां से ये वाला जो टर्म है है माइनस ऑफ लॉग इसको राइट साइड साइड सॉरी लेफ्ट ले जाइएगा तो ये बनेगा लॉग एक्स टू दी बेस प्लस में क्या बनेगा लॉग वाई टू दी बेस इक्वल टू में क्या होगा लॉग ऑफ सी ठीक है देन लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्या बना के देगा सर ये लॉग एक्स इन टू वाई देगा टू देश ठीक है इक्वल टू में क्या दिखेगा इक्वल टू में दिखेगा लॉग ऑफ सी टू दी बेस ए हो गया सवाल खत्म यहां से क्या आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी सिंपल सिंपल एक्स वाई इंटू इक्वल टू सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अरे ये तो हलवा है मतलब इसका आंसर देखते के साथ ही मैं क्या बोलूंगा बोलो अच्छा ऐसा सवाल अभी हम लोग किए हुए हैं दिखाऊं मैं कहा आपको अब ये क्वेश्चन हम अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग एक सवाल किए हुए हैं जिसमें अपने को ना डिग्री पूछ रहा था और मैं आपको बोला था नॉट डिफाइंड क्योंकि मैं उस समय समझाया था आपको रुको वो क्वेश्चन ढूंढता हूँ कहाँ हो जी तुम हम्म ये मिल गया यही था क्या आ, 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 नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं सॉरी सॉरी ये वाला है ये वाला है है ना देखो इसमें क्या बोला था डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होगा डिग्री इसका नॉट डिफाइंड में बोला था ये पॉलिनोम नहीं बन पा रहा है पॉलिनोमल होने का मतलब ये है है ना ये डिफरेंशियल कॉफिशियट में मतलब डी वाई बाई डी एक्स बोलो या डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बोलो या डी थ्री वाई बटे डी एक्स क्यू बोलो उसमें ये पॉलिनोमल इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि ये लॉग के साथ आ गया अगर लॉग एक्स होता तो चल जाता याद रखिएगा लॉग के साथ डी वाई बाई डी एक्स आ जाए मतलब डिफरेंशिएशन आ जाए या साइन कॉज का एंगल आ जाए तो उस समय हम लोग क्या बोला करेंगे उसको डिग्री डायरेक्ट आप बोल देंगे नॉट डिफाइंड इसके पीछे का रीजन क्या होता है क्योंकि वो पॉलिनोमियल में नहीं होता है ठीक है

इसका निकालना अपने को क्या ठीक है ओए ओए यहां पे है ना मैं क्या लिख रहा हूं ओके जी अब सुनना ध्यान से हम लोग एक काम करते हैं one plus y, one minus y square को कॉमन ले लेते हैं इसको मैंने कॉमन ले लिया है ना और तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स बाय डी वाई है ना और प्लस में हो जाएगा वाई अपॉन में आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स ठीक है इक्वल टू तो क्या हो गया ए इंटू वाई ओके, तो अपने पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाय प्लस इंटू एक्स इक्वल में क्या हो गया तक में कोई कोई दर्द तकलीफ एक मिनट बच्चों एक मिनट इसको मैं फैन ऑफ कर दिया चलो ठीक है ठीक है ओके यहां तक की कहानी क्लियर हुई अब यहां से समझ में आया ना अरे ऐसा क्वेश्चन किए थे ना भी हम जो थे। है ना? जी सर। तो ये ऐसा कुछ हुआ डीएक्स प्लस में वाई अपॉन वन माइनस वाई, 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 वाई स्क्वायर और इंटू एक्स ये ठीक है दंना दंना अब सुनना ध्यान से अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला पैटर्न का है डी एक्स बाई डी वाई होगा यहां पे क्या होगा फिर देखो मैं नेक्स्ट लिख दिया आदत है अपन में dx लिख देगा प्लस ऑफ क्या हो जाएगा p और यहां पे x है तो यहां पे भी x होगा इक्वल टू q ठीक है कोई दर्द कोई तकलीफ नो सर अब सुनिएगा ध्यान से ये जो p और q होता है या तो कोई कांस्टेंट होता है या फिर किसका फंक्शन y का फंक्शन होता है ठीक है इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e के पावर में p dx नंबर तो बोल देना dy बोल देना ठीक है तो P का काम यहां पे कौन कर रहा है देखो यहां पे x है तो यहां पे भी x दिख रहा है P का, का काम कौन कर रहा है y अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा e के पावर में y अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा e के पावर में माइनस टू मल्टीप्लाई करो और नीचे भी करो तो ये माइनस वन बाई टू और अपॉन में कुछ आ रहा है या जा रहा है अरे सिंपल है ये मत बोलो सर वन मार्क का एक एक स्टेप लिख रहा हूँ अब ये माइनस टू क्योंकि इसका डिफ्रेंसेशन ऊपर दिख रहा है तो सिंपल यहाँ से आ जाएगा मेरा आई एफ इक्वल टू ई के पावर में माइनस हाफ है ना और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर ठीक है कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं सर अब देखिए ये आपको जो माइनस वन बाय टू दिख रहा है ये पावर में जाएगा बोलो हाँ अब मैं कहा लिख दू थोड़ा सा थोड़ा सा चलो नहीं कर लेते हैं ध्यान से ऑप्शन में ठीक है देखिए ई के पावर में क्या चला जाएगा ई के पावर में चला जाएगा लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर के पावर में माइनस वन बाई टू है ना जो सामने है पावर माइनस वन बाई टू तो यहां से ये ई और ये ये दोनों सेम है तो फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास अपने पास आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर के पावर चमका क्या बहुत सिंपल था ठीक है आंसर क्लियर अच्छा मुझे पहले क्या लगा ये तो नहीं हुआ लेकिन ये वाई स्क्वायर माइनस वन है वन माइनस वाई स्क्वायर ठीक है सिंपल तो था सर ये क्यों लिएगे पावर में ताकि ये ई और यहाँ पे भी ई है कुछ नहीं है तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कौन सा ए होता है पावर में लॉग एम है मान लो लिखा हुआ इसके भी बेस में ए है तो सिंपल सिर्फ एम हो जाता है ओके जी सर लिखिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हाँ अगर कुछ सवाल आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो आप भी वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करो अगला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री का प्रोडक्ट पूछ रहा है ओके अब देखना यहां से तो इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं इसका ऑर्डर ऑर्डर इसका कितना है सर टू है ठीक है ऑर्डर टू है और अगर डिग्री देखो तो डिग्री ऑर्डर की पावर देख लो ऑर्डर की पावर वन है ठीक है ऑर्डर की पावर क्या हो जाएगी वन हो जाएगी अच्छा अब आप लोग के मन में ना ये आ रहा होगा सर यहाँ पे तो वाई के पावर में वन बाय टू है y के पावर में तो वन बाय टू है कोई दिक्कत नहीं है बस याद रखना फिर कहोगे सर ये तो y के पावर में वन बाई टू आ गया तब तो हमें तो फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए तो सुनिएगा वो d डिफरेंशियल कॉफिशियट जो होता है ना dy वाई बाई डिक्स उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए Y और एक्स का चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ऑर्डर टू हो गया डिग्री वन हो गया तो मतलब ये कितना हो गया टू हो जाएगा है ना वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिन डिग्री ऑफ द डिफ्रेंस इक्वेशन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ <coughs> इसका आंसर हो जाएगा अपना बी फॉर भोलो क्लियर चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक मिनट रुक जाओ मुझे लास्ट के कुछ क्वेश्चन इसका तो सी मैंने दिया था आपको ठीक है अगले क्वेश्चन पे चले ये डी हो गया और ये हो गया हमारा बी ओके नाउ

पावर में कुछ नहीं तो वन है ना तो डिग्री वन हो जाएगी ऑर्डर टू जिसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर जाएगा आंसर आंसर बच्चे हो गया, अगले पे चलते हैं. इसका जनरल सॉल्यूशन सुनिएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि क्या लिखा हुआ है जो कि है एक्स dy डी वाई माइनस वन प्लस एक्स स्क्स और इक्वल टू में भी डी एक्स हम्म 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 हम इक्वल टू में डीएक्स है क्या ठीक है तो इसका जनरल सॉल्यूशन अपने को निकालना इक्वल टू में ना वो ना बच्चों अ अगर इसका देखा जाए अगर मैं कहूं ठीक है इक्वल टू में डी जनरल सॉल्यूशन देखते हैं तो यहां से ये हो जाएगा इसको मैं क्या लिखूं इसको जब मैं इधर लेके आता हूं ठीक है हम x dy सुनते जाना ध्यान से x dy और आएगा ये इधर तो प्लस में हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और फिर प्लस में क्या लिख रहा है दिख रहा है अपने को dx दिख रहा है ठीक है dx दिख रहा है तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बताओ सर यहाँ से हम लोग अगर कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा अपना dx है ना तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में वन दिखेगा इंटू डी एक्स ठीक है मतलब एक्स डी वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू क्या डी एक्स अच्छा, इंटीग्रेट करना काम करते पहले कोई ले आओ, है? तो ये हो जाएगा यहां से डी वाई देखते कर दू मेरे नीले पीले इंटीग्रेट ठीक है तो यहां से ये तो y हो गया और यहां पे अलग अलग कर देंगे तो ये एक्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स देगा फिर प्लस में क्या हो जाएगा टू अपॉन एक्स डी एक्स ठीक है तो ये y equal to x का इंटीग्रेशन तो x2 2 हो जाएगा और यहां से 2 1 by x का हो जाएगा log x m c देखो तो जरा ऐसा कुछ है y equal to 2 log x x2 नहीं ये नहीं y equal to 2 log x x2 2 plus c यस डेफोर्ट ढोला कीदा करेक्ट आंसर चमक रहा है इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है अगले क्वेश्चन पे चले चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वही नेक्स्ट हो जाओ ओहो एरिया oh, oh, वाला सवाल आ गया देखो एरिया पे ना चांसेस कम है आपके कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और दो तीन क्वेश्चन लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं आपको ठीक है द एरिया ऑफ द रीजन अगर आएगा भाई नहीं एरिया पे तो लॉग एक्स फंक्शन दिया रहेगा या कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा ऐसा सिंपली दिया रहेगा तो इसमें ना आपको ना कॉशेक्स का ना ग्राफ बनाने आना चाहिए क्या आना चाहिए आपको कॉशेक्स का ग्राफ बनाने आना चाहिए आ जाओ कॉसेक्स का ग्राफ बनाते हैं जानते हो ना यहां से स्टार्ट होगा तो ये मुझे ये कॉशेक्स का ग्राफ है थोड़ा और अच्छू बना लेता हूँ जब बना ही रहे तो क्यों ना खूबसूरत बनाया जाए सर क्या कहते हो और ऐसे भी आप लोग जानते हो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी आता है का। ठीक है ये जीरो डिग्री हो जाएगा ये मेरा पाई होता है। है ना? पाई अपना जीरो हो जाएगा ओके ओके और कॉस पाई ठीक है कहां तक का आइडिया निकालना है वैसे अरे ये नो एक मिनट ये मैं क्या कर रहा हूँ कॉस पाए माइनस वन होता है ना यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ये सॉरी सॉरी बाई माई मिस्टेक ठीक है ये हो गया और यहाँ पे हो जाएगा अपना पाए ओके ये कितना होगा ये कितना डिग्री होगा पता है ये कितना होगा बताओ जल्दी दीदी से कमेंट करके बताइएगा सर आई होप ना यही हो जाएगा पाए मैं कॉशेक्स का ग्राफ कैसे बना रहा हूँ जी कैसे कैसे बनाता हूँ ठीक है जो काम का नहीं है उसको हटा देता हूँ मैं जो काम का नहीं है उसको हटा देता हूँ ये कॉशेक्स का मेरे नीले पीले ग्राफ है ठीक है तो कॉशेक्स का ग्राफ हो गया ये ग्राफ हो गया कॉशेक्स का अब यहाँ पे एरिया किसका निकालना है ये वाला एरिया है ना ये और ये तो देखिएगा जब कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे गए ना तो पहले आपको क्या करना है जीरो से लेके पाए बाई टू तक आप कॉशेक्स को इंटीग्रेट करेंगे किसको इंटीग्रेट करेंगे कॉशेक्स को जीरो से पाए बाय टू तक ठीक है फिर क्या करेंगे आप कॉशेक्स को ही पाए बाय टू से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे पाई तक बट किसमें बच्चे मॉड में बट किसमें मॉड में ठीक है चलो देखो तो यहां से आ जाएगा ये मॉड यहां मत लगाओ यहां लगाओ मॉड इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लगाइए ठीक है? ये बेटा मॉड का साइन है ठीक है? का है, का साइन क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव देगा तो वो पॉजिटिव बन जाए आ जाओ तो कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू फिर प्लस में फिर इस कॉश एक्स का हो जाएगा साइन एक्स कहां से कहां तक बताओ ये हो जाएगा पाई बाय टू से लेकर कहां तक पाई तक है ना और मोड का साइन लगा लीजिए तो साइन पाई बाय टू माइनस साइन पहले पाई बाय टू रखेंगे तो वन देगा जीरो रखेंगे तो जीरो देगा ठीक है प्लस में फिर मोड लगा लो पाई रखेंगे था 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 था, पाई तो साइन पाई तो जीरो होता है पाई बाय टू कितना होता है बच्चे वन होता है माइनस होगा तो यही मैं कहा जो माइनस आएगा जीरो, वो जीरो माइनस वन क्या होगा माइनस ऑफ वन वो मोड से प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा टू हो जाएगा आई बात समझ में तो ये हो गया हमारा टू ए ए फॉर आलो इज द करेक्ट आंसर कौन का ग्राफ आना चाहिए है ना का ग्राफ आना चाहिए वो मैं मेरे मन में कॉस का इंटीग्रेशन साइन चला तो मैं साइन का ग्राफ बनाने लगा था नहीं ये कौस का ग्राफ है है ना का ग्राफ ऐसा बनता है ना ये कॉस थीटा का ग्राफ बना देता हूँ आपको ऐसा बनता है थीटा का ग्राफ ठीक है और साइन थीटा का कैसा बनता है ऐसा बनता है ठीक है ये साइन का ग्राफ हो जाएगा ये जीरो हो जाता है बच्चों ये पाए बाय टू होता है ये कितना होता है ये पाए होता है फिर ये कितना हो जाता है कमेंट करके बताइए कुछ नहीं नाइनटीन नाइनटी एट करते जाओ तो ये कितना हो जाएगा थ्री पाए बाय टू हो जाएगा ठीक है क्लियर आगे बढ़े

क्योंकि uh, एक्स को आप जीरो करोगे वाई को जीरो करोगे एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी ठीक है और वाई को जीरो करोगे तो ये कितनी आ जाएगी uh, एक्स की वैल्यू थ्री और एक्स को जीरो करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ये वाला पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस थ्री बाई टू ठीक है जीरो कॉमा माइनस थ्री बाई टू एक मिनट रुक जाइएगा जीरो कॉमा माइनस थ्री बाई टू ओके कहां से कहा वाई इक्वल टू वन से माइनस वन से वन तक एरिया निकालना माइनस वन से वन तो माइनस वन होगा यहां पर कहीं होगा मान लो देख लो -1 कहाँ पे होगा यहाँ पे कहीं होगा है ना क्योंकि मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं ना यहाँ पे तो ये आपका आपका ऑटोगेट आप डी वाई तो आप जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो वाई का होना चाहिए y का फंक्शन अच्छा कहां से कहां तक माइनस वन से लेकर वन तक होना चाहिए ठीक है तो माइनस वन से वन वाई का फंक्शन क्या है मेरे नीले पीले जल्दी बताओ वाई का फंक्शन मतलब एक्स डी वाई आ जाएगा ठीक है तो एक्स का वैल्यू चलो रखा हुआ एक्स का वैल्यू क्या है टू वाई प्लस थ्री है और यह डीवाई हो गया माइनस वन से वन यहां मत सोचना सर मॉड क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि सर एक्स के नीचे गया तो मॉड क्यों नहीं ले रहे एक्स के नीचे अगर गया मॉड ले तब लेते ले जब हम डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते यहां पर डीवाई के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो मॉड कब लोगे जब वाई के आप पीछे जाओगे क्लियर हो रहा है जी सर चलो यहां पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टू वाई स्क्वायर बाई टू 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 कट जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा थ्री वाई लिमिट कहां से कहा माइनस वन से वन अपर रखिए वन का स्क्वायर वन थ्री इंटू वन अपर माइनस लोअर माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री तो ये दे दिया फोर बच्चों और ये माइनस टू एक और माइनस पहले से तो प्लस टू बोले तो सिक्स सिक्स है आंसर में यस सी फॉर चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर आप में से कौन सा चंडीगढ़ से जरा कमेंट कीजिएगा चलिए अगले क्वेश्चन पे चले

तो मतलब ये लाइन जो ऐसे गुजर रहा है ये वाला पॉइंट क्या पता है माइनस वन कॉमा जीरोना है X और ये वाला है ना एक्स इक्वल टू माइनस टू यहां पर कहीं होगा मतलब एक्स इक्वल टू माइनस टू यहां से लेकर एक्स इक्वल टू थ्री इधर कहीं तक निकालना है ठीक है सुनते जाना ध्यान से सुनते जाना ध्यान से अब जब मैं इसका एरिया निकालूंगा

और जब यहाँ पे डीवाई होता है तो डीवाई उधर जाते हैं तो मॉड लगाते हैं और एक्स dx के में करेंगे तो के के नीचे लिए क्योंकि वो निगेटिव एरिया आएगा और उसको पॉजिटिव बनाना है क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है और फिर मैं क्या करूंगा माइनस वन से लेकर थ्री तक इंटीग्रेट करूंगा किसको एक्स प्लस वन डी एक्स को बस हो गया सवाल खत्म बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जानते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना आप सॉल्व कर लोगे बस यहीं पे जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वगैरह करोगे तो यहीं पे आपको क्या होगा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं ठीक है तो यहां से ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू और वन का इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा है ना माइनस टू से माइनस वन फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू और फिर वन का एक्स हो गया ठीक है माइनस वन से थ्री सुनते जाना अभी मैं रखता हूं इसमें अपर लिमिट है ना अगर मैं इसमें रखता हूं अपर लिमिट माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा वन बाई टू और फिर यहां पे हो जाएगा माइनस वन अपर रखा माइनस लोअर लिमिट रखो माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर बाई टू फिर माइनस टू एक्स का वैल्यू माइनस टू पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा ठीक है यहां तक ये कहानी क्लियर फिर आ जाइए इधर ये हो गया प्लस अब इसमें आ जाओ थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन बाई टू प्लस ऑफ थ्री अपर माइनस लोअर रखो फिर माइनस वन का स्क्वायर वन बाई टू और फिर एक्स का वैल्यू माइनस वन ठीक है क्लियर वन बाई टू माइनस वन कितना होगा माइनस का वन बाय टू फिर ये देगा दो माइनस दो ये चला जाएगा ठीक है ये जीरो हो जाएगा फिर प्लस नाइन बाई टू नाइन बाई टू कितना होता है नाइन बाई टू हो जाता है अपना फोर पॉइंट फाइव प्लस ये थ्री सेवन पॉइंट फाइव वैसे देख लो छः पंद्रह पंद्रह बटे दो है ना यहाँ से आ जाएगा पंद्रह बटे दो ठीक है और फिर माइनस ऑफ माइनस हाफ बनेगा वहां से तो ये प्लस हाफ बन गया माइनस हाफ प्लस हाफ कट गया पंद्रह बटे दो इज द करेक्ट आंसर वो एक कुछ गड़बड़ है क्या फिफ्टीन बाई टू तो ऑप्शन में नहीं है सर <laughs> एक मिनट चेक कर लो माइनस टू से माइनस वन आए एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स हो गया और माइनस टू से माइनस वन फिर एक्स स्क्वायर बाय टू ये एक्स होगा अब यहाँ पे मैं रखूंगा माइनस वन पहले अपर लिमिट रखा वन बाई टू फिर 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 माइनस यहाँ रखा ठीक है फिर माइनस लोअर लिमिट टू बाई टू फोर है ना ये टू से ये तो चला जाएगा है ना आ, 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 तो यहाँ से ये माइनस हाफ दे दिया फिर यहाँ से रखा मैं नाइन बाई टू और थ्री रखा फिर मैं माइनस वन ये दे देगा अपने को 2, और एक और माइनस है तो प्लस वन बाई टू ये माइनस वन बाई टू ठीक है तो ये पंद्रह नौ छह पंद्रह बटे दो इज द करेक्ट आंसर आ तो रहा है मेरे नीले पीले इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या आ रहा है एक मिनट चेक कर लू मैं हम्म कहा है कहा अरे बेटा ये यहाँ पे ना मॉडल में तो देखा ही नहीं ये मॉड है ना हेलो 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 अरे ये मॉड है ना यहाँ पे क्योंकि वो x एक्सिस के नीचे था तो यहाँ पे ये माइनस वन बाई टू प्लस वन है ना यहाँ पे मॉड है है ना ये मॉड साइन है तो यहाँ से माइनस हाफ का मॉड प्लस हाफ हो जाएगा हाफ और पंद्रह बटे दो और प्लस ये कटेगा नहीं बेटा ये तो माइनस प्लस वन बाई टू ही रहेगा यहाँ पे मॉड का साइन है मैंने कहा ना कि इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी एरिया वाला सवाल आएगा ना तो वहां पे थोड़ा संभल के रहना तो ये हो जाएगा आ, कितना सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्क्रीन ले लीजिएगा जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एक बार फिर से कह रहा हूं यही क्वेश्चन आप कर लोगे तो यही आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है चलो आज अब इसमें क्या कर रहा करें डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी डिग्री पूछ रहा है क्या बोल दो नॉट डिफाइंड बोल दो क्योंकि देखो साइन के एंगल में आ गया डीवास नॉट डिफाइंड सिंपल आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब ये वाला जो सवाल है ना इसमें क्या करना है इसका डिग्री बताना है और ऑर्डर दोनों पूछ रहा है तो देखो ऑर्डर पूछता तो मैं बोल देता कितना टू। लेकिन डिग्री के लिए आपको क्या करना है पहले उसको ना फ्री फ्रॉम रेडिकल करो है ना तभी आप डिग्री बता सकते हो ठीक है ये बनाना है मुझे पोलिनोम का मतलब क्या हो गया सर पोलिनोम का मतलब हो जाएगा कि यहां पे पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए तो ये होगा डी टू वायर प्लस एक्स की पावर वन बाय फाइव इक्वल टू क्या लिखा हुआ है होल की, की पावर क्या करो यहां पे आप क्या करो होल की पावर वन बाय फोर ठीक है तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग पावर में फोर रखते हैं अगर हम दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं अगर पावर में फोर रखते हैं ठीक है डी टू वाई बेटे डीएक्सक्स की पावर वन बाय फाइव दोनों तरफ पावर में फोर कर लिया मैंने तो यहाँ पे और ऐसे भी वन बाय फोर को इधर लॉगे तो पावर फोर हो जाएगा ठीक है ये हो गया डी वाई बाय डीएक्स ठीक है वन बाय फोर अगर रहेगा और इन टू में पावर फोर करेंगे तो फोर से फोर कैंसिल हो चुका होगा यहाँ पे तो मेरे पास आ गया इसकी आ, आ, फ्री फ्रॉम ठीक है रेडिकल हो तो गया तो यहाँ पे अगर इसका मैं ऑर्डर देखूँ तो ऑर्डर टू है मेरे नीले पीले और अगर मैं इसका डिग्री देखूँ ध्यान दीजिएगा बाइनोमियल से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना तो पावर में फोर वो फोर सी जीरो फिर फोर सी वन बायनोमल से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे डी टू बैठे डी एक्स स्क्की हाइस्ट पावर चार आएगी क्योंकि वहां पे पावर में चार है ठीक है ऑर्डर टू हो गया डिग्री फोर हो गया ऑर्डर टू डिग्री फोर ऑर्डर टू डिग्री फोर ए इज द करेक्ट आंसर सिंपल चले आगे बढ़े आप इतना ईजी क्वेश्चन था आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द सोल्यूशन ऑफ द डिफ़रेंशियल इक्वेशन अच्छा अच्छा ये ना सेक एक्स होगा सेक टू वाई नहीं होगा क्या लिखा हुआ है डिफ़रेंशियल इक्वेशन क्या देखिएगा इसको येलो क्यों नहीं हो रहा मैं येलो बार बार कर रहा हूं अपने पास है टेन वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस प्लस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो क्या है 10y into sec square x dx plus 10x into sec square y dy ठीक है सिंपल है ये वेरिएबल सेपरेबल वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम एक काम करते हैं क्या करते हैं dx वाले को उधर लेके चलो तो ये हो जाएगा 10x into sec square y into dy है ना dx वाला टर्म को आप राइट साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में 10y into sec square x into dx ठीक है ओके okay? जी सर अब ये ये वाला वाग वाला टर्म ले आओ तो ये हो जाएगा अपने पास सेक में क्या ठीक है, है से स्क्वायर एक्स ये टेन एक्स मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो टेन एक्स आ गया डिवाइड में ठीक है इनटू में क्या हो जाएगा डी एक्स बस अब कुछ नहीं करना इसको इंटीग्रेट कर दो सवाल खत्म टेन वाई एफ एक्स है इसका डिफ्रेंसियन ऊपर दिख रहा है अभी आपको दिख रहा है आप जब कॉन्स्टेंट टर्म लोगे तो उसको भी लॉग सी कर लो ठीक है हो गया आंसर आ गया तो अब ये जो माइनस में दिख रहा है इसको राइट right साइड में लेके चले जाओगे तो आप ये हो जाएगा लॉग ऑफ टेन वाई प्लस में होगा लॉग ऑफ टेन एक्स ठीक है और इक्वल टू में क्या दिखेगा लॉग c टू देश लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा है ना तो लॉग एम इंटू एन लॉग ऑफ टेन वाई इन टू क्या बनेगा ये टेन एक्स बनेगा बोलो हाँ ना ठीक है फिर इक्वल टू में क्या दिखेगा इक्वल टू में दिखेगा सर लॉग सी टू दी c तो यहाँ से ना आंसर आ गया है टेन वाई इंटू टेन एक्स और इक्वल टू में क्या सी टेन वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू सी टेन वाई टेन एक्स अच्छा यहाँ पे ना जो बुक वाला है या कंप्यूटर से जो हमारा बोर्ड कह रहा है चलिए मतलब डी फॉर ढोलक इज द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत सिंपल था वेरियबल से हो गया वेरिएबल को सेपरेट कर दिया वाई वाला दुनिया एक तरफ एक्स वाली दुनिया एक तरफ फिर इंटीग्रेट है ना मतलब वाई वाला टर्म एक तरफ एक्स वाला टर्म एक तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कह रहा है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा है मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये ठीक है तो एक बार लिख लो ये क्या है कॉश एक्स है फिर से कह रहा हूं दोस्तों जैसा क्वेश्चन करवा रहा हूं प्लीज आप उतना ही कर लो वही आपके लिए इनफ होगा ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है है ना तो यहां से आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स और दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड मार देंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ ये डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स कॉश एक्स यहां से कट जाएगा यहां पर आ जाएगा कॉस बाई साइन हेलो 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 मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं ये टेन एक्स इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू वन बाई कॉस् बच्चू ये सेक एक्स हो जाएगा बोलो होगा कि नहीं होगा है ना तो यहाँ पे देखो y है तो ये भी y है और ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर p dx होता है तो p का वैल्यू क्या है टेन एक्स है तो टेन एक्स डीएक्स हो जाएगा और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ क्या सेक एक्स पढ़ाए हैं हम लोग पढ़े हुए हैं तो यहाँ से आ जाएगा ये सिर्फ सेक एक्स आ जाएगा सर कैसे कैसे सर सिर्फ सेक एक्स होगा बता रहा हूँ कैसे ये सेक एक्स हो जाएगा देखो ये e और ये बेस में और ये बेस में सेम होता है तो हम लोग जानते ये चला जाता है अरे ये वाला चीज लॉग ऑफ एम है टू दी बेस ए है और यहां पे भी बेस में ए है ए की पावर लॉग एम टू दी बेस ए तो यहां से क्या बचेगा एम बचेगा तो सेक्स हो गया है क्या फॉर चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चले डन हम्म अरे वाह शानदार जानदार जबरदस्त सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ये ठीक है इसको कैसे करेंगे बताइए देखिए क्या लिखा हुआ है इसके लिए ना आप देखो एक चीज नोटिस करो सवाल में क्या लिखा हुआ है आ, आ, सवाल में है एफ एक्स डी एक्स ठीक है बेस में क्या है ए प्लस सी और यहाँ है बी प्लस सी ओके सुनते जाना ध्यान से एक चीज कॉमन है क्या कॉमन है सर ये सी और सी कॉमन है ठीक है दिख रहा है है ना तो मैं यहाँ से क्या करूंगा यहां से ना मैं मान लेता हूँ देखते जाना ध्यान से मैं यहां पे मान लेता हूं एक्स माइनस C को मैं मान लेता हूं T, ठीक है X माइनस सी को मैंने T माना सुनते जाना ध्यान से ठीक है सर क्या आपने सोच सर हमें कैसे चमकेगा देखो ये अगर सेम दिखेगा जो सेम है ना देखो यहां पे एक्चुअल में ये एक्स की वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू क्या बी प्लस एक्स की वैल्यू बी प्लस सी है ना एक्स इक्वल टू बी प्लस सी है तो सी एक्स की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसा कुछ जी सर तो x x x x ऐसे सोचेंगे की तरफ आया तो तो मतलब को को मैंने t t मान 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 लिया माल लो यहां पे होता a और b तो मैं सी को लेता सुनते है तो तो अच्छा फिर हम लोग जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब एक्स की वैल्यू देखिएगा जब एक्स की वैल्यू ए प्लस सी होगा एक्स की वैल्यू क्या होगा ए प्लस सी होगा तो यहां से ना टी का वैल्यू क्या हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे A C और ये माइनस में सी चल ही रहा है ये कट गया टी का वैल्यू ए हो जाएगा ठीक है और जब एक्स का वैल्यू बी प्लस सी होगा तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू बी प्लस सी बी प्लस सी रखेंगे और ये माइनस सी हो जाएगा तो टी का वैल्यू क्या हो गया बी हो गया ओके ओके डन डना डे बी प्लस सी रखा और माइनस में सी है फिर एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा ए प्लस सी रखा ठीक है तो जब एक्स की वैल्यू देखो क्या थी ए प्लस सी थी तो इन डेट सिचुएशन हमारा टी का वैल्यू क्या आ गया ए आ गया देखिए टी का वैल्यू ए आया टी का डिफ्रेंशियट करना दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा तो सुनो ध्यान से जब एक्स का वैल्यू क्या था ए प्लस सी था तो टी का वैल्यू कितना एक्स का वैल्यू ए प्लस सी रखेंगे तो टी का वैल्यू ए आ रहा है जब एक्स का वैल्यू

बी uh, फॉर भूल इज द करेक्ट आंसर प्लीज ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा अच्छा सवाल है ठीक है एक क्वेश्चन मैं आपको ना दे देता हूं ये तो पहले लिख लो एक क्वेश्चन ना ना मैं आपको होमवर्क दे देता दे हूं जरा आप मुझे कमेंट करके बताना तो एक सवाल है गौर फरमाइएगा ठीक है ए इंटू सी है और बी इंटू सी है जरा ये मुझे करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा ए इंटू सी बी इंटू सी कॉमन देखिए इसका है सी है है ना इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसको पहले लिख लीजिए आप लोग ठीक है आंसर इसका क्या हो गया बिफोर चले अगले सवाल पे ठीक है नौ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाओ wow. ये तो इजी सवाल है क्या है सर इजी पीजी सवाल है क्या लिखा हुआ बहुत है बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है सब्सिट्यूशन पे ध्यान से देखो एफ डेक्स लिखा हुआ है और अपॉन में क्या है fx मतलब fx का डिफरेंशिएशन है इतना ही होता तो मजा आता log fx आंसर दे देते लेकिन नहीं इनटू में और क्या लिखा हुआ है इनटू में लॉग ऑफ fx लिखा हुआ है dx ठीक है ओके सुनते जाना ध्यान से तो अगर मैं लॉग ऑफ fx को क्या मान लूं टी मान लूं log ऑफ fx को मैंने t मान लिया तो अब

into dx क्या बना के देगा बताओ सर वो तो dt देगा बस हो गया ना काम खत्म f'x fx dx बच्चों ये इतना क्या बन के देगा बच्चे dt देगा है ना ये dt देगा दे दिया सर dt और 1 log fx को मैंने t माना है तो इसको मैं t लिख देता हूँ और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t plus c मतलब log ऑफ t का वैल्यू कितना है t का वैल्यू क्या है t का वैल्यू log ऑफ fx तो एक और log और सुनो log log मल्टीप्लाई मत कर देना है ना लॉग ऑफ लॉग एफ एक्स प्लस सी है ना लॉग ऑफ लॉग एफ एक्स प्लस सी लॉग ऑफ लॉग एफ एक्स प्लस सी बी ही लग रहा है ठीक है यहाँ पे तो मॉड रहता ही है चलो लिख लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आइए ये कैसे करेंगे देखिए सिंपल है या तो देखो दोनों की डिग्री सेम है तो ये इम या तो आप डिवाइड मार लो या फिर क्या करो या फिर थोड़ा एक्स स्क् ना प्लस वन है ना माइनस वन प्लस वन एक और कर लो सर ऐसा क्योंकि बता रहा हूं जैसा डिनोमिनेटर में ना वैसा मैंने बनाया ये माइनस वन किया तो प्लस वन भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस वन को एक साथ लिखो क्या लिखा मैंने एक्स स्क् और माइनस वन को एक साथ लिखा ये प्लस वन और यहां भी प्लस वन दिख रहा है क्या क्या हो 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 गया? और में क्या हो गया। गया? ये और में अब अब सुनिएगा ध्यान से। अब करेंगे हम लोग separate. X square minus one को एक टर्म मानेंगे सर ये टू कैसे हुआ ये वन प्लस वन को एड करके ठीक है नाउ अब अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन फिर माइनस और सॉरी प्लस टू अपॉन क्या अच्छा टू को ना बाहर निकाल लो बाहर निकाल देते हैं वन अपॉन क्या होगा एक्स स्क् माइनस वन डी एक्स ठीक है ये कट जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन नीले पीले एक्स आ जाएगा प्लस टू ये यहां से कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का ठीक है तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बस ये लगा दो वन अपॉन ए का काम तो वन कर रहा है और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस प्लस सी ये टू से टू चला गया तो फाइनल सी ये हमारा फाइनल आंसर है तो क्या हो जाएगा final answer? X plus log of X -1, और 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 इस करेक्ट आंसर क्लियर

एक्स के एक्स स्क्वायर को आप t मान लो या सिंपल सिर्फ एक्स स्क्वायर को आप t मान लो ठीक है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा इक्वल टू क्या होगा dt टी बाई होगा तो मतलब x इन dx डी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू क्या बनेगा dt टी बटी दो बनेगा ठीक है ओके okay. x इन टू क्या बनेगा dt टी बटी दो बनेगा तो मतलब मेरे पास आ जाएगा x इन टू की जगह पे मैं लिखूंगा डी टी और ये ई e की पावर में के और 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 x स्क्वायर को क्या माना मैंने t माना और ये dt बाय कितना हो जाएगा 2 तो मैं 1/2 को सामने लिख देता हूं है ना e की पावर kt into dt ठीक है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा सर इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर जो है वही आ जाएगा बस k का t का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा k c है ना तो ये 1 अपॉन 2k 2 k 2k e की पावर k k का मतलब क्या है k का मतलब है बच्चों आ, के का तो मतलब सर के ही है ये है, है ना प्लस सी ठीक है हो तो गया और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है वन अपॉन फोर e की पावर टू एक्स स्क्वायर प्लस सी देखो अगर आप यहां से भी कंपेयर करो ना तो वन अपॉन टू के वन बाय फोर के बराबर होगा वन अपॉन टू के वन बाय फोर के बराबर दिख रहा है तो यहां से ना के की वैल्यू मेरी नीले पीले टू दिख रही है और ऊपर भी आप कंपेयर करके डायरेक्ट भी टू बोल सकते थे तो तो भी यहां पे सही था तो के का वैल्यू कितना आ गया टू आ गया टू C4 cat कैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चले मॉड वाला सवाल है हाँ ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का सुनो कैसे करेंगे अभी तक मॉड वाला जो भी हम लोग इंटीग्रेशन में सवाल करते थे ना उसमें ना लिमिट दिया होता था लोअर लिमिट अपर लिमिट फिर मॉड के अंदर जो भी होता था उसको जीरो के कल रख के चेक करते थे बताओ डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड वाला सवाल किए थे इनडेफिनेट में हम लोग मॉड वाला सवाल नहीं किए थे वो है ये सर इसको कैसे करेंगे सुनना ध्यान से क्या लिखा हुआ है अपने अपने पास अपने पास गिवन है मॉड ऑफ एक्स डी एक्स सुन्ना ध्यान से अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है मॉड ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है ऑफ लिखा हुआ है प्लस सी तो अपने से दुनिया वाला के का वैल्यू पूछ रहा है ठीक है सोचते हैं सोचते हैं एक बार बताओ मॉड ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है सर मोड ऑफ एक्स की दो वैल्यू हो सकती है या तो एक्स होगी या तो माइनस एक्स होगी ठीक है एक्स कब होगी सर जब ये ना एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो और ये जब निगेटिव होगा ठीक है सुनते जाना ध्यान से मतलब अगर आपसे दुनिया वाला मॉड ऑफ एक्स डीएक्स पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली आपसे सामने वाला ना ये पूछ रहा है या तो आपसे कह रहा है एक्स डीएक्स निकालिए या तो आपसे क्या कह रहा है माइनस ऑफ एक्स डी एक्स निकालिए अच्छा ये कब निकालेंगे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी ये कब निकालेंगे जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी ये कह रहा है सुनते जाना ध्यान से तो यहां से जब मैं देखता हूं तो इसका एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू क्या हो जाएगा हेलो 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 प्लीज नजरें इधर होनी चाहिए है ना बहुत अच्छा सवाल है सुनते जाना ध्यान mod तो 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 से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब मैंने सोचा या तो ये होगा या तो ये होगा ठीक है ओके okay, सर तो जब मोड तो एक्स का जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे इसका हो जाएगा एक्स स्क्वाई टू और इसका क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क् ये कब होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर है सुनते जाना ध्यान से ये जो लिखा हुआ मॉड ऑफ एक्स डी एक्स क्या मैं इसको ऊपर वाले को इसको मैं लिख सकता हूँ क्या देखो अपने को ना जो क्वेश्चन uh, में दिया हुआ है वहां से हम लोग ना हिंट लेंगे सर कैसे लेंगे देखो बता रहा हूँ वहां से हम लोग ना हिंट लेते हैं सवाल में ना राइट right साइड लिखा हुआ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और सामने के है तो ये जो के है मैं इसको मान मान लेता लेता हूं हूं और स्क्वायर को मैं लेता ये x x है लिखा हुआ सुनते जाना ध्यान से और यहां पे भी वन बाय टू है और माइनस वन बाय टू ले लू नहीं सर माइनस वन बाय टू मतलब उसको वन बाय टू ही लो है ना क्योंकि ऊपर में भी वन बाय टू तो सर माइनस का क्या करेंगे बता रहा हूँ ना ये माइनस मॉड एक एक्स को दे दो ऐसा है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ऐसे लिख दिए ठीक है तो ये वन बाई टू है ना एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स ठीक है एक इस एक्स को मॉड में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ठीक है यहां से यहां से यहां से क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा वन बाई टू ओके क्या हो जाएगा बच्चों सर वन बाई टू एक मिनट जस्ट वन मिनट ठीक है और क्या हो जाएगा और एक तो एक्स है एक तो अपने पास क्या है एक्स है ठीक है यहां तक की कहानी समझ में आ रही है एक तो हमारे पास 1/2 uh, इस x स्क्वायर को मैंने x into x लिखा और इस एक्सेस पहले तो -1/ सॉरी 1/2 सामने लिखा और माइनस का x स्क्वायर है तो एक बार क्या लिखा into x लिखा प्लस में x और माइनस मतलब minus -x into plus +x लिखा यहां तक की कहानी समझ में आ रही है ठीक है यहां पे तो ये एक काम करो सर ये uh, 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 minus -of x

स की वैल्यू जीरो से छोटा है तो वो अंडर रहेगा अगर एक्स जीरो से छोटा है तो मॉडुलस एक्स माइनस ऑफ एक्स होगा तो जब मैं कंपेयर करता हूं तो जब मेरे पास एक्चुअल में क्या आंसर आया हुआ है ऑफ मॉड्यूलस एक्स एक्स का आंसर दो आया हुआ है क्या क्या आया हुआ है वन टू? है ना मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स और क्या आया सर वन बाय टू मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स आया अरे सर दोनों सेम है लेकिन एक चीज है ये एक्स ग्रेटर देन जीरो पे होगी और एक्स लेस देन जीरो पे ये होगी आंसर तो जब मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे तो आंसर क्या हो गया लिख लिया चलो लिख लिए क्या यस yes, सर तो उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूं ना जितने भी सवाल मैं आपको करवाया हूं आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किए होंगे समझे होंगे ऐसे ही आगे के चैप्टर्स आग, अगला चैप्टर हमारा क्या होगा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तक कर चुके हैं चैप्टर सेवन चैप्टर एट और चैप्टर नाइन कर लिए इन डेफिनेट एरिया अंडर द कर्व है ना और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिए अब नाउ वेक्टर और थ्री का मैं एक साथ आपको लेक्चर देने वाला उसमें भी हम लोग कम से कम फिफ्टी क्वेश्चन तो करेंगे फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा वहां पर टाइम को पिन करके पूछिएगा सर इस समय यह बताएं थे इसका मतलब एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ठीक है चलिए मिलते नेक्स्ट क्लास में तब तक, तक के लिए बाय है नाइस डे अगर दिन में देख रहे हो तो रात में देख रहे हो तो गुड नाइट चलिए बाय जय हिंद जय भारत बाय